हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड देखिए, दो चार मिनट जो है पहले मैंने जो है आपको क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, देखते हैं कुछ स्टूडेंट आएंगे। बिल्कुल सिर्फ जी, आपने करंट अभी क्लास नहीं ली है तो ले लीजिएगा। और फ्रेंड देखिए, आप जो है जितने भी स्टूडेंट हैं, उतने जितने भी अभी तक आ गए, उन सभी से कह दूँ कि अगर आपने क्लासेस हमारी अटेंड नहीं करी हैं, आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो संडे के दिन जो होता है हमारा सुपर संडे होता है, यानी कि हमारी मैराथन होती है। तो हमने जो जिसले जितने भी पीक पिछले वीक में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हमने करंट अफेयर पढ़ा है, कुछ एमसीक्यूज पढ़े थे, उन सभी को जितने कि आपको जो भी आपके दो दो ढाई ढाई घंटे की क्लासेस बनेंगी, वो हम पे करेंगे। ठीक है, कल जो है हम क्लासेस करेंगे, कल जो होगी सुपर मैराथन होगा। ठीक है, मैराथन क्लास होगी, एक तो रहेगी आपकी 10 बजे से क्लास चलेगी, एक रहेगी 6 बजे से, यानी कि आपकी दो मैराथन होंगी, दो दो घंटे की, यानी 4 घंटे का आपका दो दो घंटे करके 4 घंटे की क्लास होगी। 4 घंटे में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने पिछले वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, प्लस नया कुछ और भी यहाँ पर ऐड करूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राधे राधे, बिल्कुल शाम समय जी, बिल्कुल समय कामिया जी, आपका स्वागत है। आप बहुत काफ़ी दिनों बाद देख रहे हो। ठीक है, बिल्कुल मनीष जी, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन फ्री स्टडी में। आज जो है बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भैया, ऑनलाइन फ्री स्टडी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी कम स्टूडेंट ने ज्वाइन करा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको जो है लोग बोल रहे हैं कि PDF नहीं प्रोवाइड करा रहे, नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। क्यों प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तब मैं PDF करवाऊंगा। क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट जुड़ते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं कि PDF कहाँ है, वाली PDF कहाँ है। तो वो कल एक हफ्ते में जितने भी 4-5 PDF हुई हैं, वो चार पाँच PDF हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, बिल्कुल विकास जी, आपका स्वागत ऑनलाइन फ्री स्टडी में। चलिए, जितने भी स्टूडेंट हैं अभी जो है 2-3 मिनट बचे हैं हमारे पास। ठीक है, 2-3 मिनट बचे हैं उनके लिए, जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आपका RRB का एग्ज़ाम है, ठीक है, NTPC का, तो बता दूँ आपको, पीयूष गोयल ने है अभी देखिए जो है ट्वीट किया है, ट्वीट करके बुलाया है कि 15 दिसंबर को उन्होंने कन्फर्म किया है कि एग्ज़ाम आपका होगा। कब होगा? 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, 15 दिसंबर से एग्ज़ाम डेट जो आएगी। ठीक है, और एक यूपी पुलिस का भी एक एग्ज़ाम जो है उसकी डेट आ गई है। अगर आप किसी यूपी ने पुलिस का या एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, ओके, आई थिंक मुझे पता नहीं एग्जैक्टली में यूपी का कौन सा जो है फॉर्म का रिजल्ट, वो जो रेट आई है, तो आप जो है UPPCL पे जाकर देख लीजिएगा। ओके, उसकी डेट भी आ गई है। ओके, यानी कि एग्ज़ाम्स होंगे अब होना चालू हो गए हैं। ओके, एग्ज़ाम्स की डेट आना चालू हो गई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्या आपको आवाज़, ऑडियो, वीडियो दोनों क्लैरिटी बोथ जो ना सही आ रही है या नहीं आ रही, यस और नो कर दीजिएगा। और सभी के लिए वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर दीजिएगा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इज। आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। समय जी ऑप्शन आ गया 1, वेरी गुड। एनीवन, शिव जी का भी आंसर आ गया, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा, यूकेलिप्टस आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा 3, यूकेलिप्टस। ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन, रहेगा सी इज द करेक्ट आंसर, यूकेलिप्टस रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए अशोका का पेड़ जो है उसको, इसका नेम, साइंटिफिक नेम क्या है अशोका का, तो वैज्ञानिक नेम क्या होता है भैया, ये होता है सरका अशोक। ठीक है, ओके, बरगद का जो वैज्ञानिक नेम क्या होता है, वो फिकस वेगलेंसिस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं और एग्जाम से पहले जो है सारी चीज़ हमें याद करके रखनी है। ठीक है, ओके, ये पहली बार जो देखिए, अगर हम बात करें यूकेलिप्टस की, तो ये पहली बार मैसूर के शासक टीपू सुल्तान द्वारा जो है 1790 के आसपास लगाया गया था, कौन सा पेड़, यूकेलिप्टस। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है, एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है, 1 फैदम इज इक्वल टू द हाउ मैनी मीटर्स। चलिए आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन का और वीडियो शेयर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। 250 क्वेश्चंस हम लगभग करने वाले हैं, तो जितने भी स्टूडेंट आएंगे उन सभी से कहूँगा, भैया जल्दी से वीडियो शेयर करिए और आराम आराम से वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, जैसे ही मेरे पास अगर 20-25 स्टूडेंट हो जाएंगे, तो मैं कहना बंद कर दूंगा कि वीडियो शेयर करिए। ठीक है, वो अपने आप हो जाएगी फिर। चलिए आंसर दीजिए, ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, बहुत अच्छे। समय जी, ओके, शिव जी, एनीवन, विकास जी, मनीष जी, कोई आंसर कमेंट करेगा क्या होगा, ये होता है ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 8288 मीटर के बराबर होता है, एक फैदम ऑप्शन आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी, 8000 नहीं होगा, 1.8288, ठीक है, 1.8288, सॉरी 1.8288 होगा यहाँ पर। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, एक फैदम बराबर होता है 1.8288 मीटर, यानी कि 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। पानी जो है, एक जो एक फैदम होता है, पानी की गहराई को मापने के लिए हम एक विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लंबाई या इसकी इकाई हम इसे कह सकते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गोल्डन चावल जो होते हैं वो पीले रंग के येलो रंग के कैसे होते हैं, व्हाई इज गोल्डन राइस इज येलो इन कलर। चलिए आंसर देंगे, कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा। ओके चलिए आंसर दिए, राइस इन व्हाइट कैरोटीन होता है, राइस में क्या होता है, व्हाइट बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं, या फाइकोविलिस धनी जो होती है इसमें होता है, या फिर यहाँ पर क्लोरोफिल में होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं होता है। आंसर देंगे, कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, ऑप्शन बी आ रहा है, सिर्फ जी एनीवन समय जी। ओके मनीष जी आंसर कमेंट करें, सुनील जी आंसर कमेंट करें, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, आंसर दीजिएगा कमेंट करिए। मात्र तीन लोग देख रहे हैं, क्या बात है भैया, अभी भी स्टूडेंट आए फिर उसके बाद चलेगा, यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, वन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल समय जी, यहाँ पर होगा बीटा कैरोटीन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, किसमें होता है, गोल्डन चावल जो होते हैं उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसके कारण जो कैसा पाया जाता है, वो पीला रंग, ओके गोल्डन रंग जो का होता है, ठीक है। ओके चलिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, देखिए प्रकाश का या प्रकाश या ध्वनि के ध्वनि में तेज गति किसकी होती है, आंसर दीजिए, प्रकाश और ध्वनि में से गति किसकी तेज होती है, बहुत सिंपल प्रश्न है, प्रकाश की गति या तेज होगी या ध्वनि की गति तेज होगी, ठीक है। ओके या फिर लाइट आएगा आंसर, ध्वनि आएगा या दोनों आएगा, या इससे निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंसर देना है कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर फोर है। चलिए आंसर दीजिए, माँ तीन लोग देख रहे हैं भैया, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइट आ रहा है, वेरी गुड, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा, लाइट की स्पीड क्या होती है, कोई बताएगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन वन, प्रकाश यानी कि लाइट इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भैया, ध्वनि जो है, और देखिए ध्वनि जो है वो ओनली मीडियम जो रहेगा, माध्यम रहेगा, उसमें जो है ट्रेवल करेगी, लेकिन लाइट जो है बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती है। ओके तो यहाँ पर देखिए क्या है, ओके प्रकाश ध्वनि से तेज होता है, यात्रा करती है, सभी को पता है, प्रकाश को यात्रा करने के लिए एक माध्यम जो है आवश्यक होता है, ओके सॉरी आवश्यक नहीं होता है प्रकाश के लिए, ठीक है। ओके यदि अगर वैक्यूम में ये इसको ले जाया जाए तो 186,000 मील की गति से ये निर्वात में यानी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है लाइट। ओके साउंड की बात करें तो साउंड जो है एक माध्यम जो उसको जो है एक मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए जो कि एक प्रति सेकेंड में 343 मीटर गति के साथ हवा में यात्रा करता है, याद रखिएगा हवा में यात्रा करता है, ठीक है। ओके चले अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लाइकेन का सबसे अच्छा संकेतक क्या है, लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर फाइव है, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर और एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। चलिए थोड़े फास्ट करेंगे क्वेश्चन, आपके ऑप्शन भी जल्दी आना चाहिए, आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या होगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो आंसर आएगा वायु एयर पोल्यूशन। ओके ऑप्शन फोर नहीं आएगा, ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ पर एयर, ओके एयर वायु प्रदूषण आएगा, वीना जी ऑप्शन आएगा वन, समय जी बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। ओके ये सारा चीज़ जो है आपको पढ़नी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बाद में अगर वीडियो देखना है तो आप वीडियो देखकर इसको भी रोक कर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, सूर्य की कक्षा के चक्कर लगाने हेतु प्लेटो को जो प्लेटो है ओके को कितने साल लगते हैं, ओके प्लेटो जो जो ग्रह है प्लेटो उसको बताना है कि कितने साल लगते हैं सूर्य के, अगर वो चक्कर लगाएगा तो 76 साल लगेंगे, 144 साल लगेंगे, 198 लगेंगे या 248 लगेंगे। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आए आज, और देखिए सभी लोग सुन लीजिए, देखिए ये तो वीडियो का मात्र ट्रेलर है, कल तो सारी पिक्चर होगी, कल क्या होगा भैया हमारी मैराथन क्लास है, ठीक है, और मैराथन क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वन बाई वन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट करेंगे, ऑप्शन आ रहा 198, वेरी गुड एनीवन, ओके शिव जी आंसर आ गया आपका, ओके वीना जी आंसर दिए, समय जी, मनीष जी आंसर कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं यहां पर आंसर आएगा क्या आएगा भैया, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा 4 248, ठीक है, क्या आएगा 248 आएगा, ठीक है, ऑप्शन आएगा यहाँ पर 248। तो भैया ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कौन सा जो है कितने दिन में जो है सन का जो है यहाँ पर अर्थ, देखिए अर्थ कितने दिन में लगाता, अर्थ लगाता 365.26 डे में जो है इसका जो है सूर्य की जो है परिक्रमा करता है, ठीक है। जुपिटर जो कितने दिन में लगाता 4332 में, ठीक है, बिल्कुल ये सारा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं इसको हटा रहा हूँ कमेंट को, इसको जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके प्लेटो कितने में लगाता है, प्लेटो देखिए यहाँ पर 90,553 जो है दिन में जो है इसकी परिक्रमा लगाता है, ठीक है। ओके सवरा लिखा है, सारा का सारा लिखा है, कौन कौन से कितने कितने दिन में है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समय जी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, देखिए ओके कोयले के निर्माण का पहला चरण यानी कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोयला, तो आंसर देना है कमेंट को, सॉरी कोयल,
ठीक है, कोल मतलब इंग्लिश में हिंदी में कुमार हो गया, कोई बात नहीं। आंसर दीजिए क्या होता है विटामिन, ओके लिग्नाइट होता है, विटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है या पिट होता है। आंसर सभी को कमेंट करने क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, एग्जाम पिट आ रहा है बहुत बढ़िया। मनीष जी एनी वन को आंसर कमेंट करेगा इस प्रश्न का क्या आ सकता है क्वेश्चन का ऑप्शन, तो यहाँ पर सलील से आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए भाई। ओके वीना जी 4, मनीष जी का आ गया। सतीश जी आपका स्वागत ऑनलाइन फ्री स्ट्रीम में बिल्कुल। चलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा 4, पिट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए सभी का आंसर लगभग सही है, मैं बता देता हूँ आप तो आपको थोड़ा बहुत। ठीक है देखिए, कोयले का निर्माण करते के तो कोयले का निर्माण जो है जारी रख करता है, क्योंकि वर्ती ऊष्मा और दबाव लिग्नाइट जो है भूरा और या ब्लैक कोयले में बदल जाता है। ओके यह पहला यथार्थ कोयला होता है, कौन सा, यहाँ पर लिग्नाइट है। ओके कोयले का निर्माण के 4 चरण होते हैं, सबसे पहला होता है पिट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा विडुमनस और चौथा एंथ्रेसाइट। ठीक है ओके ये लिख लीजिएगा अपनी बुक में, कहीं पर भी आंसर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके पास। इनमें से कौन सा आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, विच ऑफ दीज प्रोवाइड योर बॉडी विथ एनर्जी। आंसर दीजिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या इसमें से सारे। आंसर देंगे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है चलिए आंसर दिए सुनील जी बहुत अच्छे, एनी वन को आंसर कमेंट करें, ऑप्शन 1 आ रहा है सभी के, तो यहाँ पर होगा ऑल अबव। समय जी बिल्कुल सही है, सतीश जी बिल्कुल सही है, मनीष जी वेरी गुड। ओके शाहिल कुमार जी आपका स्वागत ऑनलाइन फ्री स्ट्रीम में, हमारी क्लास होती है 6 बजे डेली, और हाँ एक और चीज़ बोल दूँ 9 बजे एवरेज की क्लास है, 9 बजे की सर की क्लास है। ठीक है 2-3 दिन से क्लास नहीं हो नहीं पा रही थी भाई, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब आज से क्लास होगी इंग्लिश, ओके सॉरी मैथ की क्लास होगी जो एवरेज चलेगा हमारा। ठीक है ओके, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको, अरे ए नहीं है, ऑल ऑफ एवर आएगा। ठीक है कोई बात नहीं है, अगर सुनील जी आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए। ठीक है ठीक, लेकिन उसका आंसर होगा ऑल एवर, क्योंकि विटामिन ऊर्जा नहीं देता। ठीक है लेकिन ओके चलिए ओके, मैंने आपको जो आपने जो बोला उसको सुन लिया है, अगर आप ये बोल रहे हो तो बिल्कुल मैं यहाँ पर जो इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल आपने जो बोला विटामिन नहीं देता, लेकिन इतना नहीं है कि बिल्कुल कम ही दे, बिल्कुल ही नहीं देता है, लेकिन माइनर उस पर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को। ठीक है ओके, विटामिन जो है मुझे पता है विटामिन जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता, ये मैंने क्वेश्चन आपसे खुद से पूछा था। ठीक है आपसे पूछा था विटामिन जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है, लेकिन यहाँ पर आंसर में ओके चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है ओके चलिए कोई बात, अगला क्वेश्चन। समय जी जेड ऑप्शन नहीं है हमारे पास, आंसर दीजिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस जानवर के पेट में दांत होते हैं। आंसर देना है मतलब ओके, विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल हैव टीथ इन देयर स्टमच। आंसर दीजिएगा कमेंट करेंगे, केंचुआ होता है, केकड़ा होता है, सांप होता है या तिल चट्टा होता है यानी कॉकरोच होता है। आंसर कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, आंसर दीजिए कमेंट करिए। और भाई देखिए घबराइएगा मत, आंसर मैंने गलत पढ़ा दिया या कुछ कर दिया, मैं इसको क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे अपन। ठीक है मुझे पता है जो विटामिन है एनर्जी नहीं देता है। ठीक है आंसर दीजिए कमेंट करिए। चलिए सुनील जी बहुत अच्छे, एनी वन ऑप्शन आ गया, बी आ रहा है बहुत अच्छे, एनी वन आंसर कमेंट करेगा भाई इसका आएगा आंसर ओके, कहेगा केकड़े यानी क्रैब्स जो है उसके मुँह में सॉरी उसके पेट में क्या होता है दांत होते हैं। ठीक है ऑप्शन रहेगा डी, ऑप्शन डी नहीं रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। समय जी ऑप्शन बी रहेगा ओके। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्रैब्स का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रूचुअर, क्या ब्रूचुअर। ठीक है ओके, कैचो का जो जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो लुम्बरिकिन। ठीक है ओके लुम्बरिकिना किना कहते हैं या लुम्बरिकन कहते हैं। ठीक है सांप का सभी को पता है सेप्टिड्स होता है ओके, तिलचट्टा का होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है पेरीप्लेनेटा अर सॉरी अमरीकाना। ठीक है इस प्रकार का नाम होता है भैया तिलचट्टे का नाम ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ओके विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ओके प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कोयला या पेट्रोलियम। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है एक क्वेश्चन में हमारे पास गड़बड़ जरूर हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे और उस क्वेश्चन को हम सही करेंगे टेलीग्राम पर, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स जो आएगा उसमें मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा एक्चुअल में वो क्यों क्वेश्चन का आंसर और डी था। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए ओके। ऑप्शन आ रहा है सुनील जी ओके ओके, यूरेनियम आ रहा है वेरी गुड। समय जी आंसर दीजिए, सतीश जी, अंजलि जी, एनी वन ओके, शाहिल जी आंसर कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, बीना जी आंसर दीजिए कमेंट करेंगे यहाँ पर ओके। शिव जी का भी आंसर आ गया, ये आएगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या आएगा भैया, जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यूरेनियम क्या है, एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है ओके, जीवाश्म ईंधन यूरेनियम नहीं है ओके। चलिए
तो ये जीवाश्म ईंधन जो है कौन कौन से हैं, जीवाश्म ईंधन जो है हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कोयले से, कोयले ईंधन, तेल या प्राकृतिक गैस और मृत जो जानवरों से पौधे का अवशोष होते हैं उससे बनते हैं, ठीक है ओके। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ठीक है, और यहाँ पर यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी कैसे हैं, प्राकृतिक संसाधन है ओके। चलिए यूरेनियम का यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है। यूरेनियम जो है यू संख्या जो है परमाणु संख्या 92 के साथ में एक रासायनिक तत्व है, ये क्या एक रासायनिक तत्व है ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके पास में सूर्य का अध्ययन कहा जाता है, सूर्य के अध्ययन को आप क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ सन इज कॉल्ड व्हाट, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आंसर देना है, कमेंट करना आप लोगों को। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, मात्र 7 लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। चलिए आंसर दीजिए, सूर्य का अध्ययन कहा जाता है, क्या कहा जाता है आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे ओके। ऑप्शन आ रहा है सतीश जी बी, वेरी गुड, समय जी ऑप्शन वन कर रहे हैं, शिव जी आंसर कमेंट करिए, सुनील जी और जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट करिए। चलिए अंजलि जी आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर, उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पर होगा हेलियोसिस्मोलॉजी, इसको कहेंगे क्या बोलेंगे, हेलियोसिस्मोलॉजी कहेंगे, सन की स्टडी को हम कहते हैं, ऑप्शन आएगा यहाँ पर थर्ड सी, बिल्कुल सही है शिव जी, बहुत अच्छे। चलिए ओके, हेलियोसिस्मोलॉजी तो आपको पता चल गया, लेकिन कोरोनोग्राफी किसे कहते हैं, तो कोरोनोग्राफी एक जो है दूरबीन एवं दूरबीन है जिसका सूर्य के बहुत करीब जो है चीज़ें देखी जा सकती हैं, क्या नाम है, कोरोनोग्राफी, जिससे जो है सूर्य की नज़दीक की चीज़ें देखी जा सकती हैं ओके। और हेलियोग्राफी क्या है, तो हेलियोग्राफी एक्चुअल में क्या है, हेलियोग्राफी जो है 1822 के आसपास जो है जोसेफ नाइसफोर नेपस द्वारा जो आविष्कार की गए फोटोग्राफिक प्रक्रिया है, क्या एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया है ओके, जो प्राकृतिक से सबसे पुराना जीवित तस्वीर बनाने के लिए प्रयोग की गई थी ओके। समझ गए सभी लोग, ऑप्शंस में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आमतौर पर समताप मंडल के बारे में सत्य है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम करूंगा आप लोगों के लिए, चलिए आंसर दीजिए चलिए आंसर दीजिए, समताप मंडल के लिए कौन सा सत्य है, आंसर दीजिएगा कमेंट करेंगे क्या रहेगा ओके। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत अच्छे अंजलि जी, शिव जी आंसर करिए ओके, समय जी आंसर कमेंट करेंगे, अवीना जी आंसर दीजिए ओके, यहाँ पर सुनील जी आंसर कमेंट करिए क्या होगा आंसर कमेंट करिए चलिए ओके। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, मात्र 6 लोग देख रहे हैं, क्या बात है भैया। यहाँ पर आंसर जो आएगा वह आएगा ऑप्शन थर्ड आएगा, थर्ड मतलब यह बहुत शुष्क होता है, कैसा होता है, यह बहुत ड्राई होता है, ऑप्शन आएगा सी इज़ अ करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सतीश, समय, अंजलि यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ओके अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी में कौन सा प्रदूषण जो है, प्रदूषक जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है, ठीक है, विच पॉल्यूशन इज वाटर कैसेज वाई ब्लू बेबी सिंड्रोम, आंसर दीजिएगा कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप ये क्वेश्चन ऐसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप जो हैं बहुत ही कम जो है क्लासेस में देखेंगे, ठीक है, बहुत कम क्लासेस हैं जिसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, और इन क्वेश्चन करके स्टूडेंट जो है थोड़ा बोर हो जाता है और स्टूडेंट भाग भी जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट को सिर्फ सिंपल चीज़ें कराएँ ओके, तो मैं नहीं चाहता कि भाई सिंपल चीज़ें कराएँ, ठीक है तो ऑप्शन क्या आ रहा है भैया, सी आ रहा है, बी भी आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, नाइट्रेट्स ओके, नाइट्रेट्स ऑप्शन होगा, नाइट्रेट्स के कारण ये होता है ओके। इसके सारी चीज़ें लिखी हैं, ये व्याख्या है तो आप इसको देख सकते हैं, बाकी अगला प्रश्न करेंगे, ये आपके पास, तास किस देश का समाचार एजेंसी का नाम है ओके, तास इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री, चलिए आंसर दीजिए, बहुत फेमस कंट्री है, इसका आंसर बताना है कि ताश जो है एक न्यूज़ एजेंसी है, एक समाचार एजेंसी है, आपको ये बताना है किस देश की ताश जो एजेंसी है वो किस देश की, चलिए कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन आ गया सतीश जी सी, वेरी गुड अंजलि, शिव, समय और सुनील जी आंसर कमेंट करेंगे, कम लोग रह गए हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगे लाइक करिएगा, आंसर दीजिए कमेंट करिए ओके। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर, तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रूस रहेगा, ऑप्शन आएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए सभी के जो है कंट्री बताता हूँ, देखिए तो यहाँ पर कंट्री लिखिए, एक बार एजेंसी लिखिए, और कौन सी एजेंसी कौन सा जो है यहाँ पर है, तो रूस में जो है तास नाम की जो है समाचार पत्र चलता है, ठीक है ओके। इटली में
कि ANSA नाम का अनसा नाम का जो है समाचार पत्र चलता है चाइना में, जो इसका खुद का चाइना का है वो सिंगुआ जो गवर्नमेंट है, ठीक है। जापान का क्या है, क्यूडो है, ठीक है। ओके, ये इनके नाम ही याद रख लीजिएगा, जो एजेंसी हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आ भी जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमारे इंडिया की भी जो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, प्रेस स्टेट ऑफ इंडियन भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका फाउंडेशन हुआ था 27 अगस्त 1947 में। इसको किया किसने था, इसको बनाया किसे, चेयरमैन कौन था भैया, कौन है इसके, विवेक गोयन का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, ओके, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आता रहेगा आंसर, क्वेश्चन कमेंट करिए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता रहेगा, आपको आंसर कमेंट करना है। हेग में है, जनीवा में है, न्यूयॉर्क में है या ब्रुसेल्स में, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। बहुत ही कम स्टूडेंट रह गए, क्या बात है, वीडियो रुक रही है, स्लो हो रही है, क्या हो रहा है, कम स्टूडेंट रह गए, क्या बात है भैया। तो आंसर यहाँ पर आएगा, क्या आएगा हमारे लिए आंसर आएगा, 4 ब्रुसेल्स में जो है नाटो का मुख्यालय। कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, मैंने दिन में भी वीडियो इसलिए का जो है हटा दी थी क्योंकि स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये रहा, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में, ये पता है। चलिए कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप है, आपको अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट जो इस प्रकार चले आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस नहीं करना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, वह मनुष्य जो वाइन बनाने में एक विशेषज्ञ है उसे हम क्या कहते हैं, द मैन हु इज विच वाइन मेकिंग, जो वाइन मेकिंग वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, जो एक वाइन बनाने वाला मनुष्य उसको हम क्या कहेंगे, आंसर दीजिए। चलिए कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, हमने 17 ही क्वेश्चन करे हैं, लेकिन 17 क्वेश्चन में काफ़ी कुछ हमने सीखा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनोलॉजिस्ट, क्या बोलेंगे इसे, ओनोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी सतीश जी, बिल्कुल सही है, सही है, सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसमें, ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके पास, क्या है, टिश्यू कल्चर का जनक कौन है, टिश्यू कल्चर का जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। ओके, कल मैंने आपको जो है केमिस्ट्री कराई थी, है ना, तो केमिस्ट्री हम कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा नहीं कंटिन्यू नहीं रखेंगे, केमिस्ट्री भी कंटिन्यू रखेंगे। कल आपको देख, सॉरी संडे को तो केमिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन मंडे से केमिस्ट्री होगी, और आप सभी लोग जितने भी हैं अभी 9 बजे तक जो है आपको 9 बजे भी आना है, 9 बजे जो है मैथ की क्लास है, ठीक है, एवरेज पढ़ेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा, टिश्यू कल्चर का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी आ रहे हैं, तो आएगा ऑप्शन नंबर 4, हर्बल लाइंड, ठीक है, ऑप्शन आएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं भैया, मैं पढ़ूंगा तो सारे लोग भग जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, ये रहा है आपके पास क्वेश्चन, ओके, डिटेल नहीं पढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं डिटेल के जगह जो है आपको 250 क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-1.5 घंटे में करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IMF, ठीक है, क्या है, IMF के 189वें सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया या शामिल किया गया, नॉर्वे रहेगा, दक्षिण सूडान रहेगा, तुवालू रहेगा या इसमें से कोई नहीं रहेगा, आंसर कमेंट करें क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए ओके, अब मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर, आंसर और ऑप्शन इतना ही कराऊंगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करें क्या होगा, दिन में भी बताया मैंने 1 बजे क्लास कराई थी, लेकिन स्टूडेंट जो है आए नहीं, और मैंने जो है डिटेल करा रहा था तो किसी को पड़ी नहीं थी, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा नारू, ठीक है, नौरू जो है, सॉरी नारू नहीं आएगा भैया, नौरू आएगा, ठीक है। इसमें 180 IMF जो है शामिल होने वाला, 189 वाला जो है ये देश है, ओके। तो ये नौरू जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उत्तर माइक्रोनेशिया में एक छोटा सा द्वीप है, ये आबादी और क्षेत्र जो है, क्षेत्र दोनों के मामले ये में जो है विटिगन सिटी के बाद जो है यह दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राज्य है, ठीक है, समझ गए, ओके। अगर हम बात करें इसका कैपिटल जो रहेगी वो यारेन रहेगी, ओके। करेंसी जो रहती है इसमें ऑस्ट्रेलिया यू डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है यहाँ पर। अगला प्रश्न रहे लोगों के लिए क्या है, क्वेश्चन अगला सेट हो गया हमारे पास, देखिए सेट चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, रेडियोथेरेपी में उपयोग किया जाने वाला नोवल गैस कौन सी होती है, नोवल गैस कौन सी होगी जिसमें हम रेडियोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं, नियॉन होगी, आर्गन होगी, रेडन होगी या जियोन होगी, आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा।
चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखिए, अब सेट ही चेंज हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने करे हैं, अभी कुछ देर में ही आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए, ठीक है। ऑप्शन रेडवान आ रहा है, शिवजी बहुत जी आंसर कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भैया, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन आपके पास से स्क्रीन पर आंसर दीजिए। आंसर रहेगा थर्ड, रेडवान, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए, रेडियोथेरेपी में जो यूज़ की जाती है उसको रेडोन यूज़ की जाती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा आपके पास, दिख रहा होगा आपको सही सही, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। बहुत छोटा सा समय अंतराल सही ढंग से मापा जा सकता है, ओके, बहुत छोटा सा समय अंतराल किस चीज़ से मापा जा सकता है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर एक्यूरेटली मेजर वाई द, ओके वाई वॉट, ओके कैसे, किस चीज़ से मापेंगे आप, ठीक है, या पल्सर कोई इकाई है उससे मापेंगे, वाइट डॉकफ से मापेंगे, या परमाणु घड़ी से मापेंगे, या क्वार्ट्ज घड़ी से मापेंगे। चलिए आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, मात्र 3 स्टूडेंट है भैया, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा बड़ी वीडियो होना, परमाणु घड़ी होगी, ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी, परमाणु घड़ी से हम बहुत छोटा समय अंतराल हम ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, ओके, विद्युत क्षमता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, आपको 200-250 क्वेश्चन इसलिए मैंने दिए हैं कि इसमें सारे क्वेश्चन आपका टेस्ट हो जाएगा आज, ठीक है, और कल भी आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है, कल तो आपका इस प्रकार का टेस्ट है कि आपने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ लिया और कितना याद है आपको, ठीक है, मतलब जो आपने ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ा है सभी का टेस्ट है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, 1:10 क्लास आएगी मैराथन की, 1:06। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, विद्युत क्षमता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, आंसर देना, अमीटर आ रहा है, ओके, वी भी आ रहा है, तो ऑप्शन आएगा थर्ड, वोल्टमीटर होगा, क्या आएगा, ऑप्शन आएगा वोल्टमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, विद्युत क्षमता को मापने के लिए उपकरण जो यूज़ किया जाता है वो वोल्टमीटर होता है, बिल्कुल सदी जी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि की गति के जो है से बदल, ओके, किस साथ बदलती है, ध्वनि की गति किस चीज़ के साथ बदल जाती है, द स्पीड ऑफ साउंड वेरी, ओके, वेरी विथ, ओके, तो आपको ये बतानी है ध्वनि की गति किसके साथ बदल सकती है, आंसर देना है, क्या आर्द्रता चेंज होगी तो उसकी गति बदल जाएगी, क्या तापमान चेंज होगा तो उसकी गति बदल जाएगी, या ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों के लिए, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे 4 है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए, चलिए आंसर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो करिएगा, मतलब आपको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, ठीक है, ओके, घर नहीं जाना है अभी, ओके, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं देख रहा हूँ, कई लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ 5 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं, 5 या 2 मिनट के लिए, उसके बाद वीडियो नहीं देखते हैं, ओके, तो आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर थर्ड आएगा, ये तापमान एंड टेम्परेचर जो है, अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये जो होगा ध्वनि की स्पीड में इसका जो है बदलाव आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्या है, सोनार जो है क्या है, सोनार को आपको बताना है, सोनार की फुल फॉर्म क्या है, सोनार इज़ अन एब्रीवेशन ऑफ, सोनार की फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है, आपको इतनी बड़ी बड़ी जो मतलब फॉन्ट जो है आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कॉपी, ओके, इसको आंसर दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग इस, ओके, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है, आपके आंसर दीजिए, ऑप्शन डी आ रहा, वेरी गुड, साउंड नेविगेशन एंड, ओके, रेंजिंग, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई, स्मॉल, ओके, नेविगेशन एंड रेट रेंडम हो सकता है, या स्काई हो सकता है, या सन न्यूक्लियर रेंगिंग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, ऑप्शन आएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग, ऑप्शन आएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, सुनार रहेगा, बिल्कुल सही है आंसर। तो भैया सुनार, नेविगेशन एंड रेंगिंग जो है यहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं आराम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पनडुब्बियों में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जो जो समुद्र में यूज़ करने वाली, समुद्र में जिस भी चीज़ को ढूंढना है, ये कितनी दूर है, कितना कोई कितनी कौन सी चीज़ दूर है उसको नीचे ढूंढने में यूज़ की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का किनारा, जो कि आरएनए जो है का किनारा से बना होता है, चलिए आंसर दिए, द स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए जो है, बताना आपको, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, आरएनए जो है कि, ओके, चलिए आंसर दीजिए, बना होता है, आरएनए किससे बना होता है, आंसर बताना है, ठीक है, राइजोम, शर्करा से, ओके, ओके, फॉस्फेट इकाई से, या नाइट्रेट से, या ऑप्शन ये सभी हैं, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोग बताएंगे भाई क्या होगा, ऑप्शन डी आ रहा, अंजलि, ऑप्शन ए आ रहा, वेरी गुड, अनिल सतीश जी आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, क्या आएगा क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पर।
कमेंट करिए। चलिए क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर? उत्तर आएगा फोर, ऑल ऑफ अबव आएगा, ऑल आएगा, राइबोसोम शर्करा, फॉस्फेट इकाई और नाइट्रोजन आधार। यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ रह ही रहेगा भैया, किनारा जो है बना होता है किससे? आरएनए का। यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शन 1, 2, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन स्टूडेंट कर पाएगा। निम्न में से कौन जो है 100 से अधिक विभिन्न एंजाइम शर्करा जो एंजाइम सक्रिय करता है, या कि जो है एंजाइम जो है सक्रिय करता है, आपको बताना है कौन करता है। आंसर दीजिएगा विटामिन वन सॉरी ए, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन से कौन जो है 100 से अधिक विभिन्न भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम सक्रिय करता है, आपको आंसर देना है, कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी आ रहा है। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आराम आराम से आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। और देखिए देखिए बायोलॉजी जो होती है हमारी, बायोलॉजी में जो है क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन आएगा यहाँ पर हमारे लिए, क्या आएगा भैया? ऑप्शन आएगा 2, विटामिन बी। क्या आएगा? विटामिन बी आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शिव जी बहुत अच्छे, ऑप्शन बी आएगा। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है भैया? ओके, तो यहाँ पर माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है। को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, गुड इवनिंग आरती जी, क्योंकि यह निर्देश का अनुदान अनुवाद जो है और गणना करता है। तो आंसर बताना है आपको, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करना है। चलिए मौर्य जी बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 6 बजे हमारी क्लास आती है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। अगला इसका क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, चलिए आंसर दीजिए। ओके, शिव जी ऑप्शन डी आ रहा है, अंजलि ऑप्शन डी आ रहा है, एनी वन सतीश जी का भी डी आ गया, सी पी यू का। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन था, वैसे तो चैलेंजिंग नहीं है भैया बिल्कुल भी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है? फल, सब्जी और अनाज से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त किया जाता है? ओके, विच ऑफ फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट, वेजिटेबल एंड ओके किरिल्स। आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे, क्या होगा? ओके आंसर दिए, फल, सब्जी और अनाज में से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त किया जा सकता है? ओके आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। ऑप्शन आ गया भूपेश जी, ओके ऑप्शन डी आर, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? ऑप्शन शिव जी आंसर कमेंट करिए, आरती जी, सतीश, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 250+ क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन आपने काफ़ी देर जो है देखिए, मैं 6 बजे क्लास करता हूँ। ठीक है, कितने बजे? 6 बजे। ओके तो कितनी होगी भैया, क्या होगा आंसर? होगा ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 1 रहेगा मोनोसेकेराइड जो है सब्जी से, फल से, अनाज से प्राप्त किया जा सकता है। 1 रहेगा स्टार्च नहीं रहेगा, मोनोसेकेराइड ऑप्शन 1 रहेगा। कोई बात नहीं है कि आपका गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने आए हैं सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा हुआ है, देखिए कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हैं इस जो क्लास है इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल, टफ, मॉडरेट। ठीक है, ऑप्शन नरेश जी आपका स्वागत ऑनलाइन फ्री स्टडी में, 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर पिछले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। ठीक है, और आपको ABCD में आंसर करना है, 1, 2, 3 में आंसर नहीं करना, ABCD में आंसर करिएगा, 1, 2, 3 में बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज हो जाऊंगा। ऑप्शन आ रहा ए नरेश जी, बहुत अच्छे, आलोक जी 5 कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आप जो है ऑप्शन 3 बोल रहे हैं, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा इस प्रश्न का, क्या आंसर हो सकता है? ओके यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन आएगा यहाँ पर 3, यानी कि 5 जो है वायुमंडलीय परत होती हैं। ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, यहाँ पर सी आएगा। तो अगला प्रश्न ये है हम करेंगे, ये आपके सामने ऑप्शन आएगा सी आएगा, बी नहीं आएगा, 5 जो है यहाँ पर लेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है आरती जी? अगला क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। ओके, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ द्वारा रोजाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो होती है कितनी प्राप्त की जा सकती है? अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट डेली बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इज, चलिए आप दिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाला जा सकता है? तो आपसे कमेंट करना, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर। आलोक जी आपका स्वागत है ऑनलाइन फिशरी में, 1, 2 आ रहा है, एनी वन। ओके ABCD में आंसर करिए, 1, 2, 3 में आंसर करिए, क्योंकि ABCD में क्या होता है थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, आपको भी लिखना और मुझे भी देखना। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन नरेश जी, अंजलि जी, सतीश जी, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा, यानी कि 2 लीटर जो है इसमें जो है मैक्सिमम जो है सीक्रेशन होता है, ऑप्शन आएगा 3। ठीक है, 2 लीटर। ओके अगला क्वेश्चन आप लोगों के, देखिए यहाँ पर जो है कितना, देखिए कितना पीएच मान जो है किसका कितना पीएच मान है, 1 मिनट के लिए वीडियो में यहाँ पर जो है आपको कमेंट हटा रहा हूँ। इस बार जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिए किसका पीएच मान कितनी वैल्यू है। ठीक है, नींबू की पीएच वैल्यू 2.5 है, ओके शराब की 2.8 है, विनेगर की यहाँ पर 3 है, ओके यूरिन की 4.8 है, कॉफ़ी की ओके 5 है। ओके ये क्यों बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये पूछा गए थे कुछ दिन पहले, मतलब आपको कुछ साल पहले। ठीक है,
ओके, यहाँ पर जो है मिल्क की देख लीजिए, मिल्क की कितनी है 6.5 है। प्योर वाटर यानी शुद्ध जल यानी होता है उसका 7 होती है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और NaCl भी क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर पता करना है कौन सी चीज़ न्यूट्रल है तो पानी में घोल दीजिए, अगर उसका रंग नहीं दिख रहा है आपको पानी में तो वो चीज़ न्यूट्रल है। कैसी है, न्यूट्रल है। पीछे पीच मान जो है उसका कितना है, 7 है। ठीक है, पानी में जो चीज़ घुल जाए और उसका कलर हमें नहीं दिखाई दे तो भाई कैसी है, न्यूट्रल है। और वो जो कैसा है मतलब 7 है उसका पीएच मान है। ठीक है, समझ गए, चलिए ओके। अगला प्रश्न है आपके लिए, ये आपके पास क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है, आंसर देना है, कमेंट करेंगे। द अप्रॉक्स डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ, ठीक है, अर्थ और मून के बिटवीन दूरी जो है यानी कि डिस्टेंस है वो कितनी है, आंसर देना है, कमेंट करना है। चलिए ऑप्शन आ गया, आलोक जी यहाँ पर, सी आर आई आरती आंसर कमेंट करें, शिव जी, अंजलि, सतीश, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, नरेश जी का भी आंसर आ गया, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है भाई, यानी कि ऑप्शन आ गया यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया, क्या है, सी सही है। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा जो है उसके अंडाकार बोलती है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर आपको देखिए ये ऑप्शन आएगा थर्ड, बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा, मैं इधर कर देता हूँ उसको, सी ये रहा। ठीक है, ऑप्शन आएगा सी, 384,000 किलोमीटर लगभग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आपको देखिए कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, तो देखिए कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन टाइप के मिलेंगे, सभी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप NTPC के लिए, MPGL प्रहरी के लिए, आप अगर दिल्ली पुलिस के पढ़ रहे हैं, सभी के लिए होगा ऑप्शन वन, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, ऑप्शन वन होगा। ओके, भूपेश जी ऑप्शन वन बोल रहे हैं इस प्रश्न का, अगला प्रश्न का, तो ऑप्शन थर्ड है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है देखिए, क्या है, ओके, कंप्यूटर में, कंप्यूटर के साथ जो है साथ शुरू होने वाला मेमोरी कौन सी होती है। ओके, अच्छा ऑप्शन वन इसका कर रहे थे, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन वन आ रहा है, वेरी गुड आरती जी, वेरी गुड सदी जी, आंसर कमेंट करिए। भूपेश अगर इसका क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो ठीक है, मैं उस क्वेश्चन का देख रहा था। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ओके रीड ओनली मेमोरी होगा, क्या होगा, रीड ओनली, ओके सेकेंडरी मेमोरी तो भैया अलग चीज़ होती है नरेश जी। ओके, कंप्यूटर के साथ शुरू होने वाली मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती है, ओनली आएगा कंप्यूटर के साथ जो शुरू होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो अलग से फाइलें जो है क्रिएट कर देता है। ठीक है, जो है आपका जो ड्राइव सी रहता है उसमें जब भी किसी भी फाइल को आप ओपन करोगे तो वो एक दूसरी इसकी एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेगा, उसको कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन है टू करेक्ट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन कराया था 9 न्यूटन वाला, 9.8 वाला न्यूटन वाला जो है आपको इसको करना है क्वेश्चन को, तो उसमें मैंने पृथ्वी का मास बताया था, पृथ्वी का द्रव्यमान बताया, तो आपको याद होगा, आंसर कमेंट करना है क्वेश्चन क्या रहेगा। चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आया, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या होगा, सभी को करना है इस प्रश्न का उत्तर, तो आंसर आएगा ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। 10 × 10^24 ही नहीं आएगा, बी ऑप्शन औला आलोक जी, बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही है। 6 × 10^24 आएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आएगा 24, तो सॉरी ऑप्शन बी। ओके, चलें ये पढ़िए, अगला क्वेश्चन है, पिंड द्वारा अपनी स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। द एनर्जी बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड इट्स। चलिए आंसर दिए, यानी कि पिंड द्वारा अपनी स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, क्या कहलाती है, वो हीट एनर्जी कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, या फिर यहाँ पर केमिकल एनर्जी कहलाएगी। सतीश जी आंसर, ओके नरेश जी आंसर आ गया, सतीश, आरती और अंजलि, सतीश जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करें, सुनील जी आंसर कमेंट करें, शिव जी आंसर दीजिए, आलोक, भूपेश बहुत लिया सॉरी बहुत अच्छे। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट करेंगे, आंसर देंगे, क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको हम स्थितिक ऊर्जा कहेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पिंड द्वारा अपनी स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा जो है, यानी कि देखिए पिंड में जो है, देखिए कोई भी पिंड हो, देखिए आप, देखिए आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री में ये है कि कोई भी कण जो होता है, कोई भी कण हो, कोई भी हो, जो भी छोटा से छोटा परमाणु है उसमें अपनी एनर्जी खुद की रहती है, वो हमेशा वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, तो वाइब्रेट करने वाले कोई भी कण में एनर्जी होगी, लेकिन उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, उस एनर्जी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जो भी कुछ किसी भी पिंड की जो एनर्जी होगी, खुद की एनर्जी होगी, उसके कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके समझ गए। सही, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आपके सामने, क्या क्वेश्चन हमारे लिए, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अगर बोथ करके चलेंगे ना तो एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओके यहाँ पर है, भ्रूण और भ्रूण जीवन
में लाल रक्त कोशिकाओं में बनती है। आंसर देना है इन फैटल एंड एम्ब्रोनिक लाइफ रेड ब्लड सेल आर फॉर्मेड इन। आंसर देना है, कमेंट करिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम करी। गुड इवनिंग दीपक जी, हमारी क्लास डेली सुबह 6 बजे, सॉरी 6 बजे नहीं भाई, सुबह 8 बजे से ले 8 बजे आती है, 11 बजे आती है, उसके बाद फिर से 1 बजे आती है, दोपहर मैंने 1 बजे भी क्लास कराई थी आप लोगों के लिए। ओके चलिए, और आप 6 बजे आपके लिए क्लास है। आंसर देना, कमेंट करिएगा क्या होगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है भूपेश जी 2, नरेश जी, किसी का आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही है भाई, क्या होगा यहाँ पर, होगा प्लाही और यक्कत। ओके स्प्लाइन और लीवर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, ऑप्शन आएगा पिछले का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिव जी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में नरम हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आरती जी, पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉफ्ट बोन इन द बिटवीन इन द ओके न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, बीबी लिखना चाहिए, वो लिखा नहीं है। ओके शिवानी जी आपका स्वागत है, वर्गव जी चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। अलोक जी आंसर दीजिए, सभी के आंसर आ रहे हैं, 108 आ रहा है, कोई 200 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, इस प्रश्न का ऑप्शन आएगा थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो भैया थर्ड रहता है, 300 रहता है, नहीं आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही है आलोक जी, ऑप्शन आएगा थर्ड 300, 208 नहीं रहते हैं नवजात शिशु में, जो हड्डियां रहती हैं वो रहती हैं 300, और 300 से थोड़ी बहुत प्लस रह सकती हैं, लेकिन 300 ही रहती हैं। ठीक है, 300 से आधी ज़्यादा ही रह सकती है, लेकिन 300 तो रहती रहती हैं। ठीक है, सिंपल है, वो 5-6 साल के बाद थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, ये अगर आपको किसी को गलत लग रहा है क्वेश्चन, कईयों को लग रहा होगा क्वेश्चन जिसने नहीं पढ़ा होगा, तो सर्च कर लीजिएगा, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, लेरिंग्स जो है जो तंतु आप ओके या कार्टिलेज या फिर यहाँ पे फाइब्रिल उपस्थित जो होती है या फिर से जो है बना होता है, बना किससे होता है, एक बॉक्स है, लेरिंग्स जो है किससे बना हुआ एक बॉक्स से, आंसर दीजिए। चलिए कुलदीप जी, चलिए गुड इवनिंग, चलिए काफ़ी लेट हो। ओके चलिए अगला प्रश्न करिए, ओके सदीश जी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, एनी वन आलोक आंसर दीजिए, नरेश जी आंसर कमेंट करिए। चलिए भैया आंसर कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिएगा, और सभी को मैं बता दूं, कल जो हमारी क्लास नहीं हुई, ठीक है, कल हमारी एवरेज वाली क्लास नहीं हो पाई, आज भी जो है रीजनिंग क्लास नहीं हो पाई, लेकिन 9 बजे एवरेज की क्लास है, सभी को आना है 9 बजे। ठीक है, मैथ की क्लास है एवरेज की, ठीक है, एक बार देखिएगा कि आपको एवरेज जो है आपने कैसा पढ़ा है और सर कैसा पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए, यहाँ पर कोई किसी को आइडिया नहीं आ रहा है तो ऑप्शन आएगा 2 उपस्थिति, यहाँ पर आएगा कार्टिलेज आएगा, लेरिंग्स जो है किससे बना हुआ बॉक्स किससे होता है, ये कार्टिलेज होगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ भैया बिल्कुल कुलदीप जी, कल 9 बजे वाली भी क्लास नहीं हुई, आज जो है क्लास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए पर्सनल है लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको क्या है। देखिए जो सर है हमारे पंकज सर, उनकी थोड़ी सी दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, उनके थोड़े से मतलब कोई रिलेटिव है, उनकी कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, रिलेटिव के शायद हो सकता है कुछ दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है, मैथ पंकज सर पढ़ाते हैं, कौटिल्य वाले टीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, और अब जो थोड़ा सा अजान हो रहा है तो आवाज़ मेरी कम आएगी। ओके चलिए आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन है, किताब उल रिहल के लेखक जो है कौन है, किताब उल रिहाल के लेखक कौन है, आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके तो आएगा आंसर क्या आएगा भैया, ऑप्शन आएगा थर्ड इब्ने बतूता, ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ओके चलिए भैया, आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं तो रीजनिंग वाले टीचर के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, अब मेरा अगर बात करें तो मैं जो है 2015 से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए चैनल चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए भारतीय, ओके भूपेश जी, अरे भूपेश जी आप लोग सोच रहे हो कि मंथ, अरे भैया भूपेश एक बार चैनल तो देखिए, आप तो छोटी सी बात कर दी यार, मतलब इतनी सी छोटी बात करी इन पीडीएफ फॉर्म, बिल्कुल कराएंगे भैया भूपेश, आपने टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं करा, इतनी छोटी सी बात करी मैंने, इतना सारी चीज़ें दे दी आपको। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या रहा भैया, ऑप्शन क्या रहा है आपको, ऑप्शन आएगा 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अजान हो रही है इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, आवाज़ नहीं आ रही होगी, ऑप्शन आएगा 2 असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आएगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची और 6ठी अनुसूची और 4 राज्य जो अनुसूचित क्षेत्रीय जो है उनमें से कौन सा आता है, ऑप्शन आता है असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा और मिजोरम आता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आवाज़ मेरी थोड़ी सी नहीं आ रही होगी क्योंकि आवाज़ अजान हो रही है, तो आराम आराम से पढ़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको ज्वाइन नहीं किया तो इस प्रकार ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन फ्री स्टडी एक साथ लिखना है, स्टडी वाला जो बाय है उसको 2 बार लिखना है, 3 बार लिखेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, 1 बार लिखकर अगर मैसेज करेंगे तो डायरेक्ट मेरे पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ओके
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बंगाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बोर्ड ओके बॉर्डर विथ बांग्लादेश। आंसर दीजिए, कमेंट करिए। अरे चलिए ओके कोई बात नहीं, कुलदीप जी आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके चलिए आंसर दीजिए, मेघालय होगा, त्रिपुरा होगा, मणिपुर होगा या मिजोरम होगा, आंसर दीजिए कमेंट करिए। देखिए मैं मैक्सिमम आपको 10-15 सेकंड दे रहा हूँ भाई, क्यों दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि 250 प्रश्न कराने भाई, 250 है ना, तो 250 प्रश्न जो हमें 1.5 घंटे के अंदर कराना है ना। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ऑप्शन थर्ड आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नरेश जी 1 आ रहा है, वेरी गुड अंजलि जी, शिव जी, एनिवर्स जी, आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड आएगा मणिपुर आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। तो मणिपुर राज्य है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, बाकी मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो ले लीजिएगा, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ क्या है भैया, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास अगला, क्या क्वेश्चन है, बांग्लादेश की यमुना नदी भारत जो है उसमें क्या कहते हैं, जो बांग्लादेश की यमुना है उसे हम भारत में क्या कहते हैं, आंसर देना है कमेंट करिए। देखिए कोई एक नदी है ठीक है जो बांग्लादेश में बहती है, उसे बांग्लादेश में यमुना कहते हैं लेकिन भारत में क्या कहते हैं, आंसर दीजिएगा ओके। अंजलि जी बोले वफर हो रही है ओके, एनी वन वफरिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है क्या, वफरिंग वाली कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या, एक मिनट के लिए रुक, एक 10-15 सेकंड के लिए रुक देंगे, रुक जाएंगे भाई, अजान भी हो रही है और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी मुझे लग रहा है ठीक है ओके। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, आपको थोड़ा सा आंसर देना है, कमेंट करते जाना ठीक है। ऑप्शन आ रहा है सी सी सी, ऑप्शन थर्ड, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ऑप्शन आएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, क्या होगी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बहुत बढ़िया चलिए ओके बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु एकजुट होते हैं ओके, तो आपको बताने हैं किस चीज़ होते हैं, या एक बंध से बने, वन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दो बॉन्ड से जुड़े होते हैं, थ्री बॉन्ड्स होते हैं या फोर बॉन्ड्स होते हैं, आपको बताना है। ऑक्सीजन अणु में जो होते हैं दो परमाणु एकजुट होते हैं, किस प्रकार जुट होते हैं, इन अन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू एटम आर यूनिट बाय, किस से होते हैं यूनिटेड। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेट चेंज हो गया भैया, आंसर दीजिएगा। भूपेश जी ऑप्शन 1 आ रहा है, वेरी गुड, सॉरी 2 आ रहा है, नरेश जी, शिव जी, अंजलि और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करें, दीपक जी आंसर कमेंट करें, क्या होगा, 8 स्टूडेंट रह गए भैया। देखिए जब भी टॉप पर जाते हैं स्टूडेंट इसके बाद कट जाते हैं ठीक है, क्यों कट जाते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या स्टूडेंट को कुछ अच्छा नहीं लगता क्या। चलिए आंसर कमेंट करें, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा 4, ये आएगा 4 बंद, यानी 4 बंद होते हैं ओके। ऑक्सीजन में जो है दो परमाणु जो है एकजुट होकर कितने द्वि बंद बनाते हैं, द्विबंध मतलब दो यानी कि 4 हो गए, कितने बॉन्ड बनाएंगे भैया ओके 4 बॉन्ड बनाएंगे ठीक है ओके। ऑप्शन आएगा बिल्कुल, ऑप्शन यहाँ पर 4 रहेगा ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, देखिए श्वास यानी कि गहरा जो आप सांस लेने की बात कर रहे हैं ओके, के लिए जो है गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा इस्तेमाल की गई वायु में नाइट्रोजन के लिए अक्रिय गैस का प्रतिस्थापन किया जाता है, तो कौन सी जो है अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस जो है यूज की जाती है समुद्र गोताखोर में, और कौन सी गैस जो है नाइट्रोजन के साथ मिलाई जाती है, दो बॉन्ड होते हैं ओके। भूपेश जी बोल रहे हैं दो बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल भूपेश जी, अगर ऐसा कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पर जो आप जो है इसको जरूर मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट लूंगा इसका ठीक है, जिससे क्या इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, इसको आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा, इसका कोई भी दिक्कत होगी, दो क्वेश्चन हमारे लिए आज क्लेरिफिकेशन के लिए हैं, एक तो पहला आपको सुनील जी ने कहा है और एक आपने कहा है, तो बिल्कुल उसका जो टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, उसमें जो है आपको इस वीडियो को जब भी कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा ना तो बिल्कुल मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 हीलियम इज द करेक्ट आंसर, आलोक बिल्कुल सही है, शिप बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया नरेश जी, लगभग सभी के आंसर बिल्कुल सही है, हीलियम जो है गैस हमें इसमें मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल प्रश्न कहूँगा भैया, देखिए इतना सिंपल प्रश्न भाई बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में जब तक ये नहीं आया था प्रश्न तब तक टफ था हमारे लिए, लेकिन अब इतना सा सिंपल प्रश्न हो गया है भैया, पीएच मान की खोज किसने करी, आंख बंद करके आप बता दोगे पीएच मान की खोज किसने करी है ठीक है ओके। क्योंकि देखिए अब 2018 में जब एग्जाम हुए, जब आरआरबी के एग्जाम हुए थे, तब किसी को पता ही नहीं था कि सुरेंद्र सेन एक्चुअल में कौन है, पीएच मान स्टूडेंट को पता ही नहीं था कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा न्यूट्रल है और कहाँ तक जाता है, हाईएस्ट जो है वैल्यू 14 होती है, सभी को पता है ठीक है ओके। बहुत बढ़िया ऑप्शन सी आ रहा है, अरे भैया सी ऑप्शन करिए, सोरेन सेन होगा ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर, क्या होगा, सोरेन सेन होगा ऑप्शन सी ठीक है ओके। चलिए इनके बारे में बता देता हूँ भैया, जो पहली बार जो है 1904 में ओके, तो यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए। अगला
तो क्या क्वेश्चन हमारे लिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका के केंद्रक नहीं पाए जाते? आपको बताना है द ओनली प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियर अमंग द फॉलोइंग आर, मतलब किस जो है प्लांट में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। आंसर देना, कमेंट करें क्या होगा। क्वेश्चन होगा कैवियन कोशिका होगा, जड़ में उपस्थित बाल होगा, या यहाँ पर सह कोशिका होगी, या ट्रिकेट कोशिका होगी। यह क्वेश्चन मैंने चार बार करा चुका हूँ, क्यों कराया, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है तो 99% स्टूडेंट गलत होता है। कितना 99% स्टूडेंट गलत होता है, मतलब 1% जो होता है आई थिंक उसका या तो वो सही हो, या तो उसे आता है, या फिर तुक्के में आंसर लग गया। ठीक है, ओके, कुलदीप ऑप्शन डी आ रहा, वेरी गुड। एनी वन कोई यहाँ से कमेंट करेगा भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, भैया बुरा मत मानिएगा, ठीक है, इस प्रश्न के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे जो है स्टूडेंट बुरा मान जाते हैं और चले भी जाते हैं। आंसर कमेंट करिए क्या होगा। कुलदीप जी, ओके, अंजलि, शिव जी, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, आपके आंसर बिल्कुल सही है भाई। क्या होगा, ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर, चाहिए बिल्कुल सही, बन नहीं होगा, डी ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल सही। नरेश जी बिल्कुल सही, आरती, ऑप्शन रहेगा डी, बुरा मत मानिएगा इस प्रश्न को, मैंने देखा है कई लोग जो है गलत करते हैं। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न करेंगे, ये आपके सामने, देखिए क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, वर्क नहीं है, आंसर देना है, कमेंट करिएगा क्या होगा। ऑप्शन यहाँ है आपके पास स्क्रीन पर, सब कुछ दिख रहा है, ओके, स्टूडेंट मात्र साथ रहें तो भैया थोड़ा सा अपनी जो है, मैंने इतनी देर से नहीं बुलाया, वीडियो शेयर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ओके, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करिएगा। और भैया मेरी जो है थोड़ा बुरा मत मानिएगा, देखिए मैं जो है थोड़ा, देखिए अभी आपको एमसीक्यूज करा रहा हूँ, लेकिन मेरा एमसीक्यूज कराने में इतना मन नहीं होता है, मेरा डिटेल कराने में मन होता है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे से हम परफॉर्म करें, इसलिए आपको थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, ओके, तो आंसर आएगा वन, क्या आएगा, वित्तीय नीति बनाने का कार्य जो है इनका नहीं है, ऑप्शन वन रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन वन, सभी के आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, 1875 आई थिंक, ठीक है ना, 1875 में इसका गठन किया गया था, आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा। और ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ओके, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, आंसर देना, कमेंट करना है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, बहुत सिंपल है, बीएससी एनएससी पढ़ा होगा आपने, ओके, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा, ऑप्शन आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी सभी को पता भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बिल्कुल सही है, ओके, हाँ 1875 में इसका गठन किया गया था, बिल्कुल सही है, और एशिया का ये सबसे बड़ा जो है स्टॉक एक्सचेंज है, पुराना भी है, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, सभी का सही है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, आलोक जी ऑप्शन वन आएगा, और 1875 में इसका गठन किया गया था, यानी कि स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हूवर बांध जो है निम्नलिखित में से नदियों में से किस पर बना हुआ है, हूवर बांध जो है किस पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ, आंसर दीजिएगा। समझा, मैं समझा नहीं नरेश जी आपने क्या बोला, ओके, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, हूवर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ, आंसर देना, कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे लाइक करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बिल्कुल कुलदीप जी, ओके, सुबह वाले बिल्कुल कल वाले रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन जो है आपको कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी देर तक ही रिपीट होंगे, 10-12 क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लिए, रिपीट नहीं होंगे, अभी कुछ देर के बाद एक जो है स्लाइड अपने आप ही जो आपको नए क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगी, टेंशन नहीं लीजिए। ऑप्शन आएगा यहाँ पर फोर्थ आएगा, ओके, कोलोराडो नदी, क्या आएगा, कोलोराडो नदी आएगा भैया, ओके, क्या आएगा, कोलोराडो नदी आएगा, ठीक है। तो देखिए हूवर डैम इज़ अ कोलोराडो रिवर ऑन, ठीक है, और बॉर्डर जो है किस किसके बीच में बनाती है, ये यूएस स्टेट और एरिजोना जो है एंड नवेदा, जो इनके बीच में, एरिजोना और नवेदा के बीच में जो है ये, बिल्कुल बिल्कुल, कल वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन है नरेश जी, कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन है, थोड़े बहुत क्वेश्चन है आपको अभी जो है, बिल्कुल संकोच नदी की सीमा जो बनाती है, संकोच नदी जो है किस किस के बीच में सीमा बनाती है, थोड़े और क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, बने रहिए, ओके, क्योंकि देखिए स्लाइड में जो है हो सकता है मे बी वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं कभी कभी, ओके। चलिए क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आंसर दीजिए, कमेंट करिए, संकोच नदी किसके बीच में समय, ओके, बिल्कुल कर दूंगा भैया टेलीग्राम पे भूपेश जी, बिल्कुल सारी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, आप कल तक तो सब्र रखिए, कल सुनिए मेरी बात, जितने भी स्टूडेंट हैं कल 10 बजे हमारी मैराथन है, 10 बजे और 6 बजे मैराथन क्लासेस होंगी, बाकी सारी क्लासेस बंद रहेंगी और हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है, ओके। तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, असम और अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा फास्ट करेंगे, भारत का न्यायपालिका जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंस है, ये सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, संसद प्रणाली में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, वास्तविक कार्यपालक बिल्कुल सिंपल है भैया, ये ऑप्शन होगा 2 इज द करेक्ट आंसर, मंत्रिपरिषद होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये बिल्कुल क्वेश्चन हमारे लिए है, नहीं पता है तो कर लीजिए
क्वेश्चन वित्त आयोग भारतीय संविधान के में शामिल है? चलिए आंसर दीजिए। मैंने 3 क्वेश्चन स्किप करे हैं आपके लिए, बता दूं क्यों, क्योंकि वो बहुत सिंपल थे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए। वित्त आयोग भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में जो है लिखा गया? आंसर देना, ऑप्शन आगे कुल दीजिए 280। वेरी गुड, ओके, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा 280 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए ओके, थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट आंसर करेंगे। अग्निवीर, हाँ चलिए। अरे भाई आज पता क्या, एक आज आज मैंने ना मतलब एक वीडियो देखी है स्टूडेंट की, मतलब एक इस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, तो आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे, उनने इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, स्टूडेंट की वीडियो देखी, वो यही क्वेश्चन करा रहे थे और उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया होगा, चलिए बताइए मुझे क्या आंसर उन्होंने दिया होगा। 28 बिल्कुल सही, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया था, क्या दिया होगा, उन्होंने आंसर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने आंसर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, काजी नजरुल इस्लाम है, चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भैया। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके पास और उन्होंने ऐसा गलत आंसर करा, मैं समझ में नहीं आया भाई, ओके। और चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मोहम्मद गौरी ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था? बिल्कुल सिंपल है, हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ओके, 1175 आएगा, बिल्कुल सही है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ओके, डचों द्वारा भारत का पहला जो है कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? किस स्थान पर कराया गया था भैया, सिंपल क्वेश्चन है, किस स्थान पर कराया गया था भैया, सिंपल है, ऑप्शन आएगा 3rd, नागापट्टिनम, ठीक है, नागापट्टिनम ऑप्शन 3rd इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ओके बेसिक ग्रामर जी, जो भी आपका नाम है, ओके, आपका नाम जो भी है आप मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि कल वाले रिपीट हो गए कुछ क्वेश्चन, तो हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अंतिम मौर्य जो है शासक बृहद की हत्या जो है एक शासक ने की थी, आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, अंतिम शासक जो था मौर्य शासक था, क्या था, बृहदर्थ, ठीक है, इसकी हत्या किस शासक ने करी थी, आंसर देना, कमेंट करना, क्लियर, आंसर कमेंट करिए। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं भैया हम, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्या आएगा, अग्निमित्र नहीं, पुष्पमित्र सुंग रहेगा, इसकी जो हत्या करी थी पुष्पमित्र सुंग ने, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय, ओके, इसको भी हटाते हैं भैया, इसको भी हटाते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे साथ हो गए, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चलिए सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट भाई अनाउंसमेंट कि भैया 15 दिसंबर को इन्होंने बोल दिया पीयूष गोयल ने कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे, इन्होंने ट्वीट कर दिया, ठीक है, और ट्विटर जो है इसको मतलब नोट कर लेता है कि भाई हाँ ये जो है इन्होंने ट्वीट किया है, ये डिलीट भी हो सकता है बाकी ट्वीट। चलिए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या है क्वेश्चन, जो है थोड़े से सिंपल भी हैं, थोड़े से टफ भी हैं, सारे मॉडर्न टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन है हीरे कैरेट के रूप में तोला जाता है, जो हीरा होता है उसको किस में तोला जाता है, कैरेट के रूप में, तो आपको ये बताना है कि कैरेट जो होता है कितने बराबर, किस कितने ग्राम यानी कितने मिलीग्राम के बराबर होता है, तो आंसर दीजिए। आप ग्राम भी बताएंगे तो मैं मान लूंगा, लेकिन आप मिलीग्राम बताएं, जो ऑप्शन में दिया है वो जाइए, सही आंसर दीजिए, क्वेश्चन करिए, ऑप्शन आना चाहिए, चलिए आंसर दिए, 9 स्टूडेंट है, चलिए आंसर दिए, कमेंट करिए, ओके बेसिक जी, बेसिक ग्रामर आपका, ओके लाल मोहन, चलिए आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा, 283, ओके भैया अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, ओके ऑप्शन डी आ रहा है शिव, ओके भार्गव जी बहुत अच्छे, एनी वन, अंजलि, नरेश, शिव जी, चलिए आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 200 मिलीग्राम यानी 0.2 ग्राम आएगा, 0.2 ग्राम आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर जो मैंने बताया, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे अयस्क है, कौन सा एक लोहे अयस्क है, ऑप्शन आएगा ग्रेनाइट, लिमोनाइट या इसमें से कोई नहीं, आंसर कमेंट करना है, लिग्नाइट और लिमोनाइट इनमें से कौन सा जो है, या फिर दोनों ही लोहे अयस्क है, आंसर देना है, कमेंट करिए। अतुल सिंह, एनीवन, ओके आपका नाम अतुल सिंह है तो बहुत बढ़िया, आंसर कमेंट करिए, ओके नरेश जी आंसर दीजिए, कमेंट करिए, ओके चलिए आंसर दीजिए, अंजलि जी, शिव जी, एनीवन, ओके शिव जी, ओके यहाँ पर भार्गव जी, कुलदीप जी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहे हैं, तो ऑप्शन आएगा 3rd इज अ करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा, 3rd होगा, ओके गोथाइट और लिग्नाइट, दोनों के दोनों ऑप्शन रहते हैं, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन आएगा थी या सी आएगा, 3rd या सी, तो देखिए बता देता हूँ मैं आपको, देखिए क्या है, तो लोहा जो आमतौर पर जो है मैग्नेटाइट यानी कि और हेमेटाइट और गोथेनाइट जो है, गोथेनाइट जिसको कहते हैं लिमोनाइट या सिडीराइट जो है इसके रूप में पाया जाता है, ये तीनों चारों में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, लोहा काय का में पाया जाता है, कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं, हेमेटाइट होते हैं, गोथाइट होते हैं और लिमोनाइट को हम कहते हैं कभी कभी सिडीराइट, ठीक है, ये सभी में पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आप करके आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, एक ड्यूअर फ्लास्क का उपयोग हम क्यों करते हैं, एक ड्यूअर फ्लास्क का हम प्रयोग क्यों करते हैं, एक ड्यूअर फ्लास्क होता है उसका हम उपयोग क्यों करते हैं, चलिए भार्गव जी, चलिए अंजलि जी आंसर दीजिए, कमेंट करिए, भूपेश जी बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं, चलिए बिल्कुल फास्ट चलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कमेंट करिए, बताइए क्या रहेगा, क्या रहेगा, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर, वीडियो शेयर करिएगा और आगे भी बढ़ाइएगा, चलिए
वीडियो शेयर करिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन होगा। जो जो लिक्विड एयर, जो एक लिक्विड एयर रहती है उसको स्टोर करने में हम इसका यूज़ करते हैं। किसके लिए? एक ड्यूअर फ्लास्क है उसका हम यूज़ करेंगे लिक्विड जो है एयर का, जो इसको स्टोर करने के रूप में, ठीक है। इस प्रकार का दिखता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है देखिए, प्लूटोनियम परमाणु बम का, जो बम का उत्पादन जो है से किया जाता है। तो आपको बताना है कौन से यूरेनियम से जो है प्लूटोनियम परमाणु बम बनाया जाता है। आंसर देना है आपको, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, ऑप्शन आएगा। चलिए नरेश जी, अंजलि जी, शिव जी, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भैया। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू होगा, क्या होगा? यूरेनियम 238, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूरेनियम 238 शिव जी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आपके पास, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक सुरक्षित माचिस, जो माचिस होती है उसकी नॉक होती है, उसकी नॉक जो है किस चीज़ से बनी होती है, ये आपको बताना है। बस सिर्फ क्वेश्चन का समझा दिया मैंने। द टिप ऑफ सेफ्टी मैच स्टिक इज मेड ऑफ, आंसर देना है कमेंट करिए किससे बनी होती है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। चलिए और 8 लोग देख रहे हैं भैया, और इस वीडियो को शेयर कर दिए, पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक्स नहीं है और यहाँ पर स्टूडेंट भी कम है भैया, तो स्टूडेंट शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर। तो आएगा ऑप्शन, आएगा 1 2 3, तीनों आएंगे, ठीक है। 1 2 3 तीनों आते हैं भैया, कुलदीप जी नहीं, तीनों आएंगे। जो है माचिस की नॉक जो है होती है वो किससे बनी होती है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको किस किस से बनी होती है भैया। तो ये जिस बनी होती है एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी से, पोटेशियम क्लोराइड से, सल्वर ओके सल्फर से, और पाउडर जो पाउडर ग्लास है, और जो इंटर फलर्स और पशु की गोंद जो होती है उससे बना होता है, ठीक है, इन सभी से बना होता है, ठीक है। अगर आपको ये गलत लगता है तो ये देखिए, ये पूरा विस्तार रूप से मैंने बताया हुआ है, तो आप इसको एक बार देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, गेमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का के महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। चलिए आंसर दिए, कोई बात नहीं, अगला करेंगे क्वेश्चन के। चलिए कुलदीप जी आंसर दिए, कमेंट करिए। गेमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर के महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, आंसर दीजिए। क्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा, गंधक होगा या फॉस्फोरस होगा, आंसर कमेंट करें क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन हम आपके पास है, ऑप्शन आ रहा है ओके भार्गव जी, बहुत बढ़िया, शिव जी बहुत अच्छे, एनीवन, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम। आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन वन आएगा, क्लोरीन रो है इससे का महत्वपूर्ण यौगिक आएगा, ऑप्शन वन बिल्कुल सही है। मनीष कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत ऑनलाइन फिशरी में। चलिए इसका सारे चीज़ लिखी है, तो भैया मैं इतना जो है टाइम हम नहीं कर रहे हैं व्यतीत। ओके, डीडीटी का फॉर्मूला होता है C14H1960 ओके और C15, ठीक है ओके। और यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, CaCIO और जो कोष्ठक में 2 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, चलिए करते हैं, देखते हैं कौन कौन यहाँ पर आंसर कमेंट करेगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर उद्पाता है, यानी कि सबलिमिनेशन से नहीं गुजरता है। सबलिमिनेशन वह स्थिति होती है, अब किसी चीज़ को गर्म किया जाए तो बॉयल ना होकर वो एकदम से भाप बन जाए, स्टीम में परिवर्तित हो, यानी गैस में परिवर्तित हो जाए। चलिए आंसर दीजिए, समझाइए मैंने सबलिमिनेशन, किसी को सबलिमिनेशन नहीं पता तो बिल्कुल सबलिमिनेशन यानी कि इस उद्पाता जो है समझ में आ गया होगा। ओके, थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन क्वेश्चन कमेंट करना है, 250 क्वेश्चन है भैया, अभी 100 क्वेश्चन ही होंगे, आंसर दीजिए कमेंट करना, 100 से तो ज्यादा हो गए होंगे ना। शिवांगी जी ऑप्शन बिल्कुल, मरीज जी ऑप्शन डी आ रहा, वेरी गुड ओके, आंसर कमेंट करेंगे। कुलदीप जी आंसर दिए, शिव जी आंसर कमेंट करेंगे, क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो उत्तर आएगा 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी चारों आएंगे, यानी कि नेप्थलीन, आयोडीन और कपूर जो है, सारे को सर कहते हैं कैसे होते हैं ये पदार्थ जो होते हैं, कैसे होते हैं ये जो है, इसको गर्म करेंगे तो ये क्या कपूर जो है आयोडीन क्या उसमें बदलेगा, क्या मतलब तरल में बदलेगा, तरल बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये डायरेक्ट किसमें हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपके पास, क्या है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रस अग्नाशय से स्थापित होता है, यानी कि विच ऑफ दिस जूस इज सीक्रेट बाय द पेंक्रियास, आंसर देना है ट्रिप्सिन होगा, पेप्सिन होगा, पित्त रस होगा, या ऑप्शन ए और बी दोनों का, आंसर देना है कमेंट करिएगा क्वेश्चन का। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है, अगर पसंद आ रही है प्लीज़, अगर आपको मन से अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा। 9 बजे आपकी क्लास आएगी एवरेज की, उसको जरूर अटेंड करिएगा, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लास है आप लोगों के लिए। चलिए आंसर दीजिए, ऑप्शन आ गया शिवांगी, बहुत बढ़िया ऑप्शन, और जो क्लास होगी भी ड्यूअल लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। जिसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन 4 आएगा, यानी कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन ऑप्शन दोनों रहेगा, ऑप्शन दोनों के दोनों रहेगा, डी बिल्कुल सही है मनीष जी बिल्कुल, और शिवांगी जी और भूपेन जी बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे ये आपके साथ, आपके पास क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पढ़ना है आपको, सारे स्टेटमेंट पढ़ना है और सभी स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि कौन सा सही है, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 1 और 2 दोनों सही है, या 3 और 4 सही है, या फिर ऑप्शन 4 सही है, आंसर देना है कमेंट करना है। ओके, चलिए आंसर दीजिएगा सभी के सभी
सभी स्टेटमेंट पढ़ने हैं आपको बताने के, सभी सही हैं या इसमें से ओनली एक सही है, ओनली बी सही है, ओनली सी सही है या ओनली ए बी सही है, अभी बी सी सही है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करें क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। किसी को नहीं पता तो ऑप्शन होगा ऑल अवेव सही है, यानी कि रेडोन भारी जो है गैस होती है। ओके, एस्टिटिन जो है पृथ्वी का सबसे दुर्लभ तत्व होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो अधातु है वह एक विद्युत चालक भी होती है। क्या है, ग्रेफाइट जो है एक अधातु है लेकिन वो कैसी होती है, विद्युत भी सुचालक, विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, ओके, उपरोक्त सभी आएंगे, ऑप्शन ए बी सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है हमारे पास, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है। चलिए आंसर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, आंसर बताना है पौधे में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में हो जाती है, यानी कि संग्रहित मतलब कि उसमें स्टोर होती है, आंसर देना है कमेंट करना। चलिए, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सरकराज या माल्टोज के रूप में जो होती है, आंसर देना है कमेंट करिएगा। ठीक है, क्या इसका मैं डिटेल बताऊँ या नहीं बताऊँ, आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होगा स्पष्ट होता है। चलिए, सभी लोग बताएंगे भैया क्या होगा, ऑप्शन आ रहा है सिवांगी बी आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा यहाँ पर टू, स्टार्च के रूप में होती है। तो भैया जो पौधे में कार्बोहाइड्रेट होती है वो स्टार्च के रूप में होती है। ठीक है, मनुष्य में जो होती है, किस मानव में जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट, वो पॉलीसेक्राइड में होती है, पेड़ों में होती है, वो स्टार्च के रूप में होती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ओके, सही समझ गए सब लोग। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, चलिए प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। वो प्रोटीन जो प्रोटीन संश्लेषण है आपको बताना है, प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, आंसर देना है कमेंट करिए। चलिए, ओके भाई, जब तक चलेगा जब तक आपको 20 स्टूडेंट अगर हो जाएंगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, ओके, 20 स्टूडेंट तो करिए पहले। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा फोर नाइट्रोजन, ऑप्शन आएगा फोर इज़ द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन आएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी आएगा, बिल्कुल सही। ओके, अगला क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ये आपके पास क्वेश्चन। ओके, राजकुमारी सलीम सम्राट, ओके, राजकुमार नाम है सलीम सम्राट, इनका नाम जो था क्या था आपको बताना है, सलीम सम्राट का नाम क्या था, आंसर दीजिए कमेंट करेंगे सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ओके, तो भैया एक घंटे तो हो गया हमें, लेकिन भैया एक घंटे से थोड़ी ज़्यादा वीडियो, एक डेढ़ घंटे कम से कम वीडियो है, थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो थोड़ा। ओके ओके, अंजलि जी कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं रात में जब भी आपका मन करे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी काम है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, नो फाउंडेशन, यहाँ पर ऑप्शन होगा थर्ड जहांगीर होगा, ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इन्होंने जो है शासन किया कब तक शासन किया, 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था। ठीक है, इनका नाम क्या था, इनका नाम था मिर्जा नूर उद दीन बेग मोहम्मद खान सलीम पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, किस समिति ने बीसीसीआई के कामकाज और संरचना के बदलाव की सिफारिश करी थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, बीसीसीआई के कामकाज के जो बदलाव, उसमें बदलाव की सिफारिश किसने करी। ओके, आईसी जो आईपीएल होते हैं और जो इन पे जो क्रिकेट होते हैं उनके लिए उन्होंने जो है समिति एक बनाई थी। तो आंसर कमेंट करना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए कमेंट करिए आंसर दीजिए। मात्र 8 स्टूडेंट देख रहे हैं और मात्र 15 जो है लाइक हैं, तो भैया 15 लाइक है, कम से कम 15 स्टूडेंट तो करिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन आएगा लोडा कमेटी, ऑप्शन आएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी करिए या 4 करिए, ऑप्शन आएगा डी। चलिए, ओके, इस नहीं पता है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये सारी समितियाँ जो आपसे पूछी गई थी एग्ज़ाम में आई हुई हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके साथ, क्या है क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर देना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आंसर दीजिएगा कमेंट करिए क्या होगा। चलिए, आंसर कमेंट करना है इस प्रश्न का, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आंसर दीजिएगा कमेंट करिए क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर दीजिए कमेंट करिए। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा आत्मरंग पांडुरंग। ठीक है, आत्मरंग पांडुरंग जो है, ओके, प्रार्थना समाज के क्या थे, संस्थापक थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें देखिए दया, ओके, यहाँ पर ओके, दयानंद सरस्वती ने क्या, कौन से, किस समाज की स्थापना करी थी। यहाँ पर याद होना चाहिए आपको, ये जो है यहाँ पर संस्थापक थे आर्य समाज के। राजा राम मोहन राय ने देखिए बंगाल पुनर्जागरण का भी स्थापना करी थी और ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, क्या है भैया प्रश्न, अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, आंसर दीजिए। अफ्रीका के घास को हम क्या कहते हैं, डाउंस कहते हैं, पंपास कहते हैं, प्री रीज कहते हैं, सबाना कहते हैं, आंसर देंगे कमेंट करेंगे। एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप एक बार टाइप करके देख लीजिए, एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन 4 आया, कुलदीप जो बता रही बहुत बढ़िया, तो आपसे आएगा ऑप्शन 4 सबाना आएगा, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके शिवांगी जी बिल्कुल सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस घास को, किस देश की, किस घास को क्या कहा जाता है, यहाँ पर सारी चीज़ लिखी हुई है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, वीरेंद्र जी बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, केंद्रीय बजट हमेशा
पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट जो होता है, यूनियन बजट जो होता है, वो ऑलवेज कहाँ पर फर्स्ट प्रेजेंट किया जाता है, आंसर देना, कमेंट करना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, कमेंट करिए। यूनियन बजट जो होता है सबसे पहले कहाँ पर आता है, ऑप्शन वन आ गया, वेरी गुड एनी वन। भार्गव जी का आंसर गया आलोक, यहाँ पर बीरेंद्र, बीरेंद्र जी आपका स्वागत ऑनलाइन फिश रहे। मनीष जी आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। कुलदीप जी आंसर कमेंट करिए, अंजलि आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। सुनील जी ओके, भूपेश जी आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। एनी वन नरेश जी का भी आंसर आ गया, बी ऑप्शन आएगा, फोर वन इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में सबसे पहले जो है पारित होता है। ओके कहाँ पर यूनियन बजट सबसे पहले कहाँ पर आता है, लोकसभा में आता है। ऑप्शन आएगा वन, बिल्कुल डी नहीं आएगा, वही ऑप्शन वन आएगा। अंजलि जी बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 112 में इसका जो व्याख्या करी गई है। ओके अगला क्वेश्चन ये आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर बफर हो रही है। ओके किसी को बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है भैया। ओके अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो एस्चुरी बनती है उसका नाम बताना है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो है एस्चुरी बनती है उसका नाम बताना, आंसर देना है, कमेंट करिएगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है कोई एक एस्चुरी, तो आपको बताना है ये एस्चुरी का नाम क्या है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आंसर देना है, कमेंट करना है, कौन सी एस्चुरी जो है भारत पाकिस्तान के मध्य के बॉर्डर है, आंसर देना। ऑप्शन वन आ रहा है, एनी वन। ओके भार्गव जी, भूपेश जी ऑप्शन फोर आ रहा है, एनी वन। कोई आंसर कमेंट करेगा, किसी का आंसर नहीं आ रहा भैया, आंसर्स नहीं आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है भैया, सिंपल क्वेश्चन है। सर क्रिक आएगा भैया, सर क्रिक, बिल्कुल कुलदीप जी बहुत बढ़िया। मनीष जी ऑप्शन टू आएगा, सर क्रिक आएगा। बीजे जी ऑप्शन आएगा, सर क्रिक, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन करेंगे ये आपके सामने। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न, एग्जाम में एक बार से ज़्यादा पूछा गया है, यानी कि सात बार आठ बार, मैं बोल सोच नहीं सकता इतने बार पूछा गया है। स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है, पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। आंसर दीजिएगा, प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, क्या जो है प्रधानमंत्री का कैबिनेट जो होता है, क्या होता है कैबिनेट, जैसे जो है उन्हें जो है प्रधानमंत्री बनाता है, ठीक है, उनको जो है एक इलेक्शन में खड़ा करता है, क्या उनकी कोई एज का कोई अंदाज़ा होता है, नहीं होता, एज का कोई अंदाज़ा होता ही नहीं। ऑप्शन आएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, इनकी कोई जो है कैबिनेट जो है डिसाइड करता है किसको बिठाना है, ठीक है, जिसकी सरकार जीती है उसको आप उसका मन है किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना, ठीक है। बिल्कुल कुलदीप जी बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन पढ़िए ये आपके सामने। ओके बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, ओके आंसर देना है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर, आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या होगा। और फ्रेंड वीडियो अच्छी अगर लग रही है आपको लाइक करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड बता दूं मैं आपको, 9 बजे भी हमारी एवरेज की क्लास है, मैथ की क्लास है, और मैथ हम स्क्रीन पर नहीं पढ़ते हैं, मैथ हम लाइव पढ़ते हैं बोर्ड पर, ठीक है। ओके तो आंसर कमेंट करिए, बहुत अच्छे सभी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, ओके उत्तर प्रदेश में जो है बुलंद दरवाजा है, ऑप्शन सी आएगा भैया, बिल्कुल बीरेंद्र जी, आलोक जी भी नहीं है, कुलदीप बिल्कुल सही है, आलोक नहीं, टू नहीं है भैया, ऑप्शन नहीं आएगा, मनीष जी बिल्कुल सही, गुजरात नहीं आएगा, यहाँ पर थर्ड आएगा, ठीक है। ओके तो बुलंद दरवाजा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और अकबर ने इसे 1601 में बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए, देखिए क्या क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन जो है अधिनियम संसद के सदस्यों के लिए अयोग्यता के लिए प्रदान करता है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, कि जो 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 संसद के सदस्य हैं उनको अयोग्य घोषित कर सकता है, वो आर्टिकल कौन सा ऐसा, सॉरी कौन सा अमेंडमेंट है जो संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है, आंसर देना है, कमेंट करिए। ऑप्शन टू आ गया, वेरी गुड वेशी, अंजलि जी टू आ गया, बीरेन जी ऑप्शन टू आ गया, एनी वन, वेरी गुड, थैंक यू, कोई बात नहीं है, अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर 7, ओके मनीष जी का ऑप्शन आ रहा है 73, तो ये नहीं है, आंसर आएगा 52, ऑप्शन आएगा अमेंडमेंट नंबर आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 52 आएगा, ऑप्शन आएगा वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए क्या है, ध्यानचंद जो है उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, क्या है मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म हुआ कहाँ हुआ आपको ये बताना है। ओके और 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, उनको क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड, एनीवन, कोई आंसर कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश, सॉरी ऑप्शन आएगा यहाँ पर 3, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 आएगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट आएगा भैया, ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 1905 यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन आएगा यहाँ पर उत्तराखंड, तो बिल्कुल नहीं है भैया, ऑप्शन सी रहेगा, मनीष जी बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर आपसे एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए आपको पूछ ली जाए कि फुटबॉल के, देखिए हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे फुटबॉल के जादूगर किसे कहते हैं, तो ब्राज़ील के पेले जो ब्लैक पर्ल्स जो है कहे जाते हैं उन्हों कहते हैं, और ब्राज़ील के सबसे ज़्यादा 5 बार जो है इन्होंने कप फुटबॉल कप जीता है। अगर आपसे पूछा है क्रिकेट के जादूगर किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जो है डॉन ब्रैडमैन उनको क्रिकेट के जादूगर कहे जाते हैं, और विश्व कप क्रिकेट का सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार आपको पता है ये जीता है, ठीक है। ओके
चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्या क्वेश्चन है भैया देखिए। ओके जब जो है जब लाल गर्म कॉक जो है पर बाष्प पारित की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या हमें मिलता है, आंसर देना कमेंट करना। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोग आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे, 8 लोग रह गए हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा। ओके चलिए आंसर दीजिए, और सभी को 9 बजे आना है, 9 बजे, और जो है हमारी मैराथन क्लास है 10 बजे से, तो उसमें भी आपको जो है आपको उसको अटेंड करना, ठीक है। और ओके वीरेन जी, ओके सभी लोग, भार्गव जी सभी लोग अटेंड कर रहे हैं। ओके बिल्कुल ऑप्शन आएगा 1 इज द करेक्ट आंसर, आप जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। ओके इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप ये पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको बतानी है कि वजह से उसी तापमान पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन होती है। आपको बताना है 100 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो है, अगर आप पानी में हाथ डालो 100 डिग्री सेल्सियस तो इतना नहीं जलोगे जितना आप 100 डिग्री सेल्सियस वाली भाप से जल जाओगे, ऐसा क्यों है। अगर आपको ये पता है तो आंसर कमेंट करें, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर आप इंडस्ट्री से हो, आपने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी है, या फिर एनर्जी पढ़ी है, या फिर कहें जो स्टीम वगैरह जो पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, तो एग्ज़ाम में आप जो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत चुटकी में कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन आ रहा है 1111 भैया, थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन का आंसर करिए। ऑप्शन आएगा 4 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा भैया, भाप अधिक ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करती है। भाप आपने सुनी होगी, सुपर हीटेड स्टीम अगर सुनी है, ड्राई स्टीम सुनी है, तो फ्रेंड इतनी खतरनाक होती है ड्राई स्टीम। अगर आप मान लो, अगर आप जो है, अगर आप दीवार में अगर इसको ऐसे करके लगा दोगे तो दीवार में भी होल हो जाएगा, इतनी हाई जो है मतलब फ्लेम रहती है उसकी, फ्लेम नहीं रहती एक्चुअल में, उसकी ऊष्मा ज़्यादा रहती है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ओके ये इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है जो है मतलब सुपर हीटेड स्टीम। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सिरके में मौजूद कार्बनिक एसिड को हम क्या कहते हैं, आंसर देना कमेंट करिए। सिरके में मौजूद कार्बनिक एसिड है क्या है एक्चुअल में, चलिए आंसर दीजिए, द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। ओके इज ओके वीरेन जी ऑप्शन 1 आ गया, वेरी गुड। मनीष आलोक शिव जी आंसर कमेंट करेंगे, कितने स्टूडेंट हैं भैया अभी, मात्र 16 तो सॉरी 6 स्टूडेंट हैं, 16 तो है नहीं, 6 स्टूडेंट हैं, लाइक करके चले गए स्टूडेंट, कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो अच्छा आपने लाइक किया, ओके और आगे पढ़िए तो और भी अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। ओके ऑप्शन आ रहा है ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके ए आप बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा आंसर आएगा 4 आएगा। यहाँ एसिटिक एसिड और इथाइनोक एसिड जो है, दोनों ऑप्शन आंसर रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन आएगा 4 बिल्कुल सही है। ओके यहाँ पर सभी के रासायनिक सूत्र लिखे हैं, फॉर्मूले लिखे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके पास क्या है, विद्युत प्रवाह जो समय के निश्चित अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं। ओके ऐसा विद्युत प्रवाह जो है, जो समय के साथ मतलब कि आपको करंट के बारे में बात करनी है, हमसे करंट पूछ रहा है, क्योंकि कौन सा करंट है, क्या इनडायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, या इंटरनेट ओके इंटरनल जो है अल्टरनेट करंट होता है वो है, या इसमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन 3 आ रहा है, वीरेन जी बहुत अच्छे, मनीष जी आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, स्टूडेंट कम हो गए हैं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को जो थोड़ी इस वीडियो को अगर शेयर करिए, अगर अच्छा लगा लाइक करिएगा, चलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कहिए। कौशिक जी शुक्ला जी आपका स्वागत है ऑनलाइन। ओके इंडक्ट करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आएगा प्रत्यावर्ती, यानी कि अल्टरनेट करंट होगा, ये कैसा होगा अल्टरनेट करंट होगा, आपको यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, ठीक है। डायरेक्ट करंट जो होती है सीधी रेखा में चलता है, अल्टरनेट करंट जो आपके घर में आता है वो कैसे चलता है, एसी वो चलती है इंटरवल में, कैसे चलता है इंटरवल में, ठीक है। ओके चलिए सी बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे 5, जो आप सोच रहे हैं 5 होगा, नहीं, जो नया स्टूडेंट है उसको बता दूं, हमने अभी तक जो 120-130 क्वेश्चन कर लिए। मनीष जी आपने इतने सारे क्वेश्चन कमेंट कर दिए, मुझे दिख रहे हैं, आप एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन कमेंट करिए, मुझे दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा था। सभी को कमेंट करने हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट करेक्ट आंसर कमेंट करते हैं इसका। चलिए इनका आंसर क्या होगा, चलेंगे आंसर देंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही कम स्टूडेंट को पता है, ठीक है। ओके कई स्टूडेंट करेगा, वैशाली होगा, कोई एथेंस करेगा, कोई सपट्स करेगा, कोई पाटलिपुत्र करेगा, सभी लोग अलग अलग करेंगे, मुझे पता है। ऑप्शन 4 आ रहा है, पाटलिपुत्र भी आ रहा है, ऑप्शन वैशाली भी आ रहा है। ओके तो आंसर आएगा वैशाली इज़ द करेक्ट आंसर। तो वैशाली क्यों है, क्योंकि वैशाली जो था, देखिए वैशाली का नाम जो है किस पर रखा गया, विशाल के नाम पर रखा गया, राजा विशाल के नाम पर रखा गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन से पहले जो वैशाली महावीर यानी 540 ईसा पूर्व जो है कि जन्म से पहले एक संप्रभु राज्य था, और लक्ष्मणी जो गणराज्य का की एक राजधानी थी, इसकी क्या थी, लक्ष्मणी जो है इसकी गणराज्य की एक राजधानी थी, जो बताता है कि जो यह शायद दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य था। ओके जो बाद में प्राचीन ग्रीक के साथ पाया गया, उसके साथ में पाया गया, ठीक है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ओके अगला क्वेश्चन क्या हमारे लिए, एक सामान्य मानव शरीर में
रेड ब्लड सेल यानी कि रक्त लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी हो सकती है? देखिए एक अनुमानित यहाँ पर बताया गया, एक्चुअल में ये जो रेड ब्लड सेल से काउंट तो हम कर नहीं सकते, लेकिन एक अनुमानित जो है काउंट बताया गया है कि कितना काउंट हो सकता है। और ये जो संख्या है वो नॉर्मल जो है लोगों से लेकर जो इनकी हाइट ज़्यादा है या इनका वेट ज़्यादा है या फिर जो ज़्यादा ज़्यादा फैट हैं उनकी जो है मात्रा यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। तो आंसर कमेंट, जिसमें ज़्यादा खून ज़्यादा है, रेड ब्लड सेल है वो ज़्यादा खून ज़्यादा उसमें ज़्यादा भी हो सकता है। आंसर दीजिए, आंसर कमेंट करेंगे। इतने स्टूडेंट हैं भैया, अभी बहुत कम स्टूडेंट रह गए हैं। तो आंसर एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, 4 इज़ द करेक्ट आंसर, 30 मिलियन, ठीक है, 30 मिलियन नहीं, 30 ट्रिलियन, 30 से लेकर 35 तक हो सकता है, 30 से लेकर 35 तक जो है ट्रिलियन यहाँ पर जो है सेल हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल, जो अकॉर्डिंग टू जो है हाइट वेट एंड जो आपकी जो आपकी बॉडी होती है उस पर डिपेंड करेगा जी। नॉर्मल के लिए बताया था 30 ट्रिलियन, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये आपके साथ, क्या है क्वेश्चन देखिए, माई फादर इज़ अ हीरो, इस बुक के लेखक कौन है? आंसर देना है कमेंट करेंगे। माई फादर इज़ अ हीरो, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर दीजिएगा कमेंट करेंगे। कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर पाएंगे? देखिए आंसर दीजिए, कमेंट करें क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। माई फादर इज़ अ हीरो, आंसर दीजिए कमेंट करें क्या होगा। गे मात्र 5 लोग देख रहे हैं भैया इस वीडियो की बर्थ, कम से कम 50, कम मैं बोल नहीं सकता, आप जितनी भी स्टूडेंट ला सकते हैं उतने से कम है, ठीक है, ओके। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो ऑप्शन होगा नंबर 3, निशांत कौशिक ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 3 आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 1, ओके 1 2 3 मत करिएगा, ABCD में करिएगा। कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, आपको बताना है ये एक्चुअल में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, आंसर दीजिएगा कमेंट करिए। चलिए कमेंट करेंगे, आंसर देंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़, ऑडियो, वीडियो क्लैरिटी दोनों सबको सही है या नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर 3, यानी कि 4 अलग अलग जो है क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 4 कौन कौन से क्षेत्र हैं भैया मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, तो मैंने बताई दी आपको। इस पुरस्कार को देखिए अलग अलग जो है क्षेत्रों में दिया जाता है ऑलरेडी यहाँ पर, क्या बाकी कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर जताया तो मैं आपको, देखिए शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, रंगमंच है और प्लास्टिक कला होती है, इसमें ये दिया जाता है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन के लिए ये आपके पास, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 63वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? 63वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस कौन सी फिल्म को दिया गया, आंसर देना कमेंट करना, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, ठीक है। स्टूडेंट्स जितने भी अभी हैं प्रेजेंट हैं, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ओके। जो भी पुराना स्टूडेंट है वो तो एक भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगे हैं कि थक जाते हैं स्टूडेंट बहुत जल्दी से। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, आप, मैं नहीं थक रहा भाई, आप लोग थक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑप्शन आएगा 1 इज़ अ करेक्ट आंसर, हिंदी मीडियम बिल्कुल सही रहेगा भैया, भूपेश जी बिल्कुल सही, आलोक जी बिल्कुल सही है, ओके। तो ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके। बाकी यहाँ पर जो हिंदी मीडियम में जो लीडिंग रोल करा था किसने करा था भैया, ये भी पता होना चाहिए आपको, ओके। तो हिंदी मीडियम में जो लीडिंग रोल करा था इरफान खान ने जिनकी गई है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो नोबल का जो शांति पुरस्कार है यानी पीस पुरस्कार है वो किस शहर में दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है, ब्रुसेल्स में दिया जाता है, या जनेवा में दिया जाता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये मैं सोचिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, पूछा गया था एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलें सभी लोग आंसर बताएंगे क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट करेंगे क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। स्टूडेंट नहीं है क्या भाई? स्टूडेंट हैं, आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है भैया? ऑप्शन आ रहा है कुलदीप जी 2 आ रहा है, आलोक जी बोले, चलिए आंसर दीजिए। भूपेश जी आपका आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन आएगा ओस्लो, ओस्लो इज़ द करेक्ट आंसर। नोबल का शांति यानी पीस पुरस्कार जो है ओस्लो में दिया जाता है, ओके। ये सारी दी हैं, कौन सा कहाँ दिया जाता है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी बड़ी बड़ी वीडियो ना बने इसलिए मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, बोल नहीं रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। अगला क्वेश्चन ये आपके साथ, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य BP यानी कि ब्लड प्रेशर जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी सामान्य ब्लड प्रेशर हमारा कौन सा होता है, आंसर देना कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन कोई सा भी हो भाई, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, ओके। 150 क्वेश्चन तो हो गए होंगे ना हमारे ना, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होगा प्रश्न का उत्तर। चलिए कमेंट करिए प्रश्न, ओके आंसर नहीं, आलोक जी ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा भैया क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सभी लोग कमेंट करेंगे क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर आएगा हमारे पास क्या आएगा भैया, उत्तर आएगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन 2, 120 से लेकर 80 जो होता है यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन 2, बिल्कुल सभी का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका को जो है दक्षिण अफ्रीका से मैं जो है भारत लौटने के लिए छोड़ा था, मतलब आपको बताना है भारत, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, ठीक है।
क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ऐसा मत बोलिएगा नहीं आया है। आपको यह बताना है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, आंसर देना है, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे, बहुत स्लो आंसर आ रहे हैं, क्या बात है भैया, बहुत स्लो आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन ई आ रहा है, लोग जी एनी वन, तो ऑप्शन आएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, 1915 में आए थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल डी ऑप्शन था, ओके बिल्कुल यहाँ पर ओके ओके यहाँ पर सुकेश, चलिए सुकेश जी ऑप्शन डी था 1915। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, एक समान ऊंचाई के स्थानों में जुड़े होने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को जुड़ने वाले स्थानों को हम क्या कहते हैं, आंसर देना है, कमेंट करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आंसर दिए, द लाइन ज्वाइन प्लेस ऑफ इक्वल हाइट आर कॉल्ड, चलिए क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए कितने लोग करेक्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ओके क्लास हमारी 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है, और बता दूं आपको अगर आप नए हैं तो अभी 9 बजे एवरेज क्लास आएगी, मैथ की क्लास होगी, उसको आप अटेंड जरूर करिएगा। ऑप्शन आएगा 4 आइसो हाइपोस, इसको कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं आइसो हाइपोस कहते हैं, ठीक है। अगर आइसो सोइड किसे कहते हैं, एक समान जो बारिश वाले स्थान होते हैं उन रेखाओं को उनको बनाते हैं, एक समान रेखा वाले उसको कहते हैं आइसो सोइड, ठीक है। आइसो बाथ किसे कहते हैं, तो आइसो बाथ जो होते हैं महासागरों में एक समान गहराई होती है उनको उनको उनके एक समान रेखाओं को जोड़ने वाले, उसको आइसो बाथ कहते हैं, ठीक है ओके। और अगर हम आइसो हाइपर्स जो है, या इसको कंटूर लाइन होते हैं, कंटूर लाइन आपने सुना होगा, अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो कंटूर लाइन पता होगा, तो ये एक समान ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, आपने जब देखा होगा, जब आपने कभी कभी देखा होगा आपके आपकी कॉलोनी में भी, आप जो है कहीं पर रोड पर देखा होगा कि भाई कोई ट्राईपॉड लेके कोई ऐसे करके देखता है कि वो लाइन जो है मिल रही नहीं मिल रही, वो कंटूर लाइन देखता है, ठीक है। और आइसो थर्म्स जो होते हैं वो एक समान तापमान वाले स्थानों की जुड़ने वाली लाइन की रेखाएँ होती हैं, ठीक है, सभी लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तो INS विक्रांत जो कि रूस से खरीदा गया था, तो आपको बस ये बताना है जब वो रूस से खरीदा गया तो उसका नाम क्या था, आंसर देना है, कमेंट करना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दिए, बिल्कुल जरूर करना है भैया इस क्लास को, हाँ कराएंगे बिल्कुल, हाँ आप मुझसे उल्लेख, बिल्कुल कराएंगे भैया कुलदीप जी, बिल्कुल कराएंगे। एक्चुअल में क्या हो गया था देखिए बता दूँ मैं आपको, तो हमारे पंकज सर हैं उनको दिक्कत आ गई थी, एक प्रॉब्लम आ गई थी, उनके रिलेटिव हैं, उनके रिलेटिव की प्रॉब्लम थी भैया, एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और समझ जाइए क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है ओके। छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, उन जो जिनकी बात हो रही है उनके रिलेटिव की, वो उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इससे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, एडमिरल नखीमियोव ये नाम था इसका, जब INS विक्रम कहाँ था, रूसी के पास था, ठीक है ओके। तो 2004 में भारत ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए बिक्री कर का उदाहरण क्या है, सेल्स टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, चलिए आंसर दीजिए, सेल्स टैक्स का एग्जांपल क्या है, निगम कर होगा, प्रत्यक्ष कर होगा, या अप्रत्यक्ष कर होगा, या वेलफेयर टैक्स होता है, चलिए आंसर दें, कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मात्र 3 लोग देख रहे हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतने कम स्टूडेंट्स की, चलिए फिर भी आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके हमारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करें क्या होगा, के तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ऑप्शन आएगा 3 इज द करेक्ट आंसर, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से, सॉरी अस्थायी स्थायी सदस्य कौन से, आंसर दीजिए, कमेंट करिए, भूपेश जी ऑप्शन, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी कि आपको बताना है UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने, 5 हैं, उनके नाम बताइएगा, ऑप्शन आपके पास है, आंसर कमेंट करेंगे क्या आएगा आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसा सोचिए कि एक बार आया दो बार आया, कम से कम 50 बार प्रश्न आया होगा। चलिए आंसर दीजिए, बहुत कम स्टूडेंट है भैया, आंसर कमेंट करिए। तो आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन है 2 यहाँ पर, बी का करेक्ट आंसर, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और USA, बिल्कुल सही है कुलदीप जी, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ पर है, आपको बताना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी, आंसर देना है, कमेंट करें। आलोक जी ऑप्शन बिल्कुल सही था, पिछले प्रश्न का ऑप्शन वन बिल्कुल नहीं था। अगला प्रश्न करिए, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। चलिए ओके UK US चाइना रशिया, ओके चाइना, ओके यहाँ पर UK US चाइना रशिया, ओके रशिया, फ्रांस, और यहाँ पर बिल्कुल 5 देश हैं जो कि मैंने बता दिए। ओके अगला प्रश्न का आंसर था, ऑप्शन आएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर, क्या आएगा हैदराबाद आएगा, क्या आएगा भैया हैदराबाद आएगा, ऑप्शन आएगा सी का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं आ रहे भैया, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके पास, भारतीय संविधान में कितने मौलिक के कर्तव्य हैं, ऑप्शन 1, 2, 3 में करिएगा, वैसे यहाँ पर 10 और 11 में से आंसर हो सकता है, तो आंसर कमेंट करें क्या होगा। चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या होगा। चलिए
अरे भैया आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है भाई। अरे भाई आंसर ही नहीं आ रहा, क्या बात है यार। ऑप्शन सी आ रहा है, डी आ रहा है। कुलदीप जी आंसर आएगा ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा, फोर आएगा। ग्यारह आएगा, ग्यारह आएगा भैया, ग्यारह। अगला क्वेश्चन करिए, ग्यारह आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़िए। अकबर के दरबार में टूडरमल एक्चुअल में क्या था? देखिए टूडरमल क्या है, टूडरमल था टूडरमल एक्चुअल में मतलब उसका नवरत्न में से आता था, अकबर के नवरत्न थे। के नवरत्न में ऑप्शन पहले संगीतकार कौन थे, संगीतकार मध्य प्रदेश में जो थे मध्य प्रदेश के थे, और मध्य प्रदेश में मतलब जो तानसेन है, तानसेन समारोह जो होता है उनके नाम पर, तानसेन जी होते इनके नवरत्न में थे। तो आंसर कमेंट करना है, जो टूडरमल थे एक्चुअल में इनके क्या थे, क्या ये म्यूजिशियन थे, साहित्य थे, फाइनेंस संभालते थे, या कानूनी सुधार को संभालते थे। आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा थर्ड इज़ अ करेक्ट आंसर, वित्त यानी फाइनेंस जो है ये संभालते थे, वित्त ऑप्शन रहेगा थर्ड इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उर्दू जो है कहाँ की आधिकारिक भाषा है, किस प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? आंध्र प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, या जम्मू एंड कश्मीर की? आंसर सभी को कमेंट करने हैं, इस प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट करिए। मात्र दो लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए कमेंट करिए, ठीक है। ओके और भैया सभी लोग जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये आधे घंटे पहले या एक घंटे पहले जो शेड्यूल बना दूंगा जो एवरेज की वीडियो का उसका, तो उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा थोड़ी देर पहले, ठीक है। 10-15 मिनट पहले जो अपना समय निकाल कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कल सुबह 10 बजे भी आपकी क्लास होगी जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मैराथन करेंगे। ओके शाम को 6 बजे भी होगी और 10 बजे भी होगी, दो क्लासेज रहेंगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फोर, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए भैया कहाँ कहाँ बोली जाती है जो उर्दू भाषा है, देखिए तेलंगाना में भी बोली जाती है उर्दू भाषा और जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा है उर्दू। और कहाँ कहाँ पर उर्दू भाषा जो आधिकारिक जो है इसका जो महत्व दिया गया है, एक तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, और नई दिल्ली में इसको अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं आप, जी लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। यहाँ पर क्या आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कितने किसके अंतर्गत आता है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। 1.5 घंटे की वीडियो भी आराम से हमने 200 क्वेश्चन तो कर दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर चले गए हैं। तो भैया मैं यही कहूँगा कि भैया अगर स्टूडेंट नहीं जाते तो मैं पूरे 250 क्वेश्चन से ज़्यादा कराता, ठीक है। अगर स्टूडेंट हैं ओके अभी भी आप स्टूडेंट शेयर कर सकते हैं वीडियो को तो मैं कराऊंगा। भार्गव जी ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन भूपेश जी ऑप्शन थर्ड आ रहा है। आलोक जी कमेंट करेंगे ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर थर्ड आएगा, जो आएगा ऑप्शन 352 आर्टिकल से लेकर अनुच्छेद से लेकर 360 जो आएगा यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। क्या यहाँ पर आगे आपको क्लास करनी है, आगे आपको क्लास करनी, मैं आराम से क्लास कराते रहूँ। अगर आपको आगे क्लास बढ़ाऊँ तो मुझे बताइए यस और नो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन से ऊपर हो गए हैं तो हम 200 क्वेश्चन कर लेते हैं, 20-30 क्वेश्चन और 30-40 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, भारत का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा, आंसर दीजिए कमेंट करिए, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा, आंसर देना है कमेंट करिएगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है भैया, फिर से स्टूडेंट चले हैं, क्या बात है भाई। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 परमवीर चक्र, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं आपको अवार्ड्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है, भारत का पहला डिजिटल और कैशलेस गाँव जिसका नाम है अकुडरा, ये किस राज्य में है, आंसर दीजिए कमेंट करिए। चलिए आपको बताना है, पहला भारत का पहला डिजिटल और कैशलेस गांव होता है इसका नाम तो अकोडरा, यह किस राज्य में है, इसका आंसर दीजिए कमेंट करिए। ऑप्शन आ रहा है बी, वेरी गुड। ओके तमिलनाडु बोल रहे हैं आलोक जी, एक बार फिर से सोच के आंसर कमेंट करिए। ओके कुलदीप जी आंसर कमेंट करिए, ओके भूपेश जी आंसर दीजिए, आलोक जी आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आंसर दीजिए भूपेश जी, आंसर करें केरला। ओके तो ये क्वेश्चन आ चुका है, एक जनमेंट एग्जाम है, तो आएगा जो है गुजरात आएगा, क्या आएगा गुजरात, ऑप्शन आएगा यहाँ पर थर्ड आएगा गुजरात आएगा, ठीक है। ओके तो एक ही बता दूं आपको, ये गुजरात के सबरकंठा जिले स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा दूर है और ये अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर होता है, क्या नाम है भैया, अकोडरा या अकोडरा, ठीक है। चलिए ओके और ये जो स्कीम लॉन्च करी गई थी, मतलब इसको जो डिजिटल जो कैशलेस बनाया गया था वो 1 जुलाई 2015 को घोषित कर दिया गया था कैशलेस, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन आपके लिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस राज्य में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर जो भी है आंसर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए आंसर दीजिए क्या रहेगा, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या होगा। चलिए आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन वन, कर्नाटक आएगा, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन चैरियट, ओके चैरियट ये एक जो है पर्यटन है, मैं आपको बताना है गोल्डन चैरियट जो है
एक टूरिस्ट जो है तीर्थ स्थल है, एक बस स्टेशन है, एक ट्रेन का नाम है या होटल का नाम है। चलिए इसी प्रकार से एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न आंसर दीजिए, कमेंट करिए भैया क्या होगा आंसर आएगा यहाँ पर, क्या आने वाला आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रेन का नाम है भैया गोल्डन चैरियट, जो है एक पर्यटक स्थल नहीं है, एक पर्यटन क्या है ट्रेन का नाम है। ठीक है ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे ये आपके सामने, ओके DRDO द्वारा विकसित स्वाति है, स्वाति एक्चुअल में क्या है, वेपन लोकेशन रेडार है, एंटी टैंक एयरक्राफ्ट है, रॉकेट लॉन्चर है या स्मार्ट एयरफील्ड बॉम है। ओके अभिजीत जी आपका स्वागत ऑनलाइन फिशरी में, हमारी क्लास जो है 6 बजे से चल रही है और इसको 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है कोई बात नहीं है, हम 250 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल 250 क्वेश्चन के नज़दीक हैं, तो आप जो इस वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं और प्लस आपको 9 बजे एवरेज की क्लास मिल जाएगी, ऑनलाइन फिशरी एवरेज की क्लास जो है, एवरेज यानी मैथ क्लास जो होने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, बहुत सिंपल प्रश्न है, बता भैया आंसर आएगा ये वेपन जो है, वेपन लोकेटिंग रडार होता है, इसका नाम है स्वाति। ठीक है DRDO ने इसे विकसित किया है। ठीक है अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके सामने, बाशी जलधारा जो है किस किस के बीच है, आंसर दीजिएगा बांशी जलधारा, बांसी चैनल इज लोकेटेड बिटवीन विच विथ, ओके आंसर कमेंट करना। चलिए आंसर दीजिएगा किस किस के बीच है, ओके फिलीपींस के बीच में है, ताइवान, फिलीपींस, जापान, जापान चाइना और फिलीपींस और इंडोनेशिया, किसके बीच में अभिजीत जी आंसर आ रहा है, कमेंट करिए बहुत अच्छे। एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा क्या होगा स्पष्ट का उत्तर। फ्रेंड्स हमारी जो है एक जो है आपको मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास है कल संडे को आप नोटिफिकेशन दबा लीजिए, संडे को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, रैपिड फायर रहेगा ओके, 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, अभी 1.5 घंटे की क्लास हो रही है। तो यहाँ फिलीपींस और ताइवान के बीच का चैनल है जिसका नाम है बाशी, ठीक है ओके बाशी जलधारा, ओके तो वाशी चैनल जो है ताइवान और फिलीपींस के बीच जो एक जलमार्ग है, यह प्रशांत महासागर में लुजोन स्टेट्स का एक हिस्सा है। ओके अगला क्वेश्चन है, VVPAT स्टैंड यानी कि VVPAT का फुल फॉर्म बताइएगा, क्या आएगा आंसर कमेंट करिए। ठीक है VVPAT का आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। आलोक जी कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए। ठीक है ओके, और कितने लोग जो है 9 बजे वाली क्लास अटेंड करेंगे, 9 बजे वाली अभी कुछ देर बाद की क्लास होगी, 9 बजे वाली क्लास लीजिएगा एवरेज की, क्योंकि अगर आपको इम्पॉर्टेंट अगर क्लास अटेंड करनी है, बेसिक से सीखना है हाइट लेवल तक, ठीक है कौटिल्य वाले टीचर हैं, कौटिल्य में पढ़ाते हैं इंदौर में, तो अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तो जाएगा ये रहेगा वोटर वेरीफाइड पेपर एंड पेपर ऑडिट ट्रेल, यहाँ पर VVPAT रहेगा, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी। ठीक है तो भैया चलिए ओके, चलिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, 9 बजे एक और क्लास आएगी और कल सुबह 10 बजे से जो हमारी मैराथन स्टार्ट होगी उसको भी अटेंड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, धन्यवाद।